يا أيها الرب العظيم هفا لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه لك يستجيب يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهين أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه يا أيها السبوح فارفق به فارفق به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم مومنو جب تک تم ان چیزوں کو جو تمہارے لیے عزیز ہیں اللہ کے راہ میں نیک خرچ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہیں کر پاؤ گے اور جو تم دیتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے صدق اللہ العلی العظیم خواتین حضرات حاضرین ناظرین سامعین آپ سب کو السلام علیکم جمیعاً ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زنیر وسیم ہدایت ٹی وی پر زارا ٹرسٹ کی جانب سے اور آج ہم آپ کے لیے انشاءاللہ ایک انریچنگ پروگرام پریزنٹ کریں گے اس میں ہمارے بہن ذاکرہ شاہ روز اور مولانا اسد زیدی ہیں ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ ہمارا اس میں گول ہے کہ ہم 2500 پاؤنڈز ریز کریں گے اور اس کا مین بینیفیشریز انشاءاللہ ہوں گے ہمارے بھائی اور بہنیں افغانستان اور پاکستان میں ابھی ہمارے ساتھ شو پہ ہمارے بھائی علی بھی ہیں علی بھائی نجف سے لائیو آئیں گے انشاءاللہ تو جو لوگ آج انشاءاللہ ڈونیٹ کریں گے ان کے لیے انشاءاللہ ہمارے بھائی زیارت کریں گے اور دعا بھی کریں گے نجف کے لیے آج کا جو ہمارا مین کیمپین ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو انفارمیشن بتانے کے لیے ہے ہمارے سولر پاور واٹر ویلز تو پانی جو ہوتا ہے وہ ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے ہمارے لیے تو الحمدللہ ہم زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں شاید کینیڈا یو کے یو ایس اے تو ہمارے لیے پانی ایک بہت سمجھے ایسی چیز ہوتی ہے کبھی بھی جا کے ہم پی سکتے ہیں کبھی بھی جا کے ہم نہا سکتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے یہ اصلیت ہے نہیں ان کی زندگی بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے ہماری سے
इंशाअल्लाह आज जो हम कैंपेन रन कर रहे हैं वो इन लोगों के लिए, इन लोगों की मदद करने के लिए है कि हम इन लोगों के लिए सोलर पावर्ड वाटर वेल्स इंस्टॉल कर पाए. ईच वेल जो हम रेस करने चाह रहे हैं, ऑफकोर्स हमारा मेन गोल है कि हम 2500 pounds रेस करें. ईच वेल है 2500 pounds इंशाअल्लाह, और ये इंशाअल्लाह एक सदका जारिया आप सब लोगों के लिए बन सकता है जो इंशाअल्लाह थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर उसके साथ लोगों को पिला सकता है. नबी का कॉल है कि जो सबसे अहम चीज है आदमी के लिए जो वो छोड़ सकता है इस दुनिया में दूसरे जो दूसरे दुनिया से जाने से पहले, वो है एक औलाद जो उसके लिए दुआ मांगता है, एक समझे इल्म जो आदमी सिखाता है किसी और को और वो उसके ऊपर अमल करता है, और तीसरा एक सदका जारिया जो एक आदमी इम्प्लीमेंट करता है समझे. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ज़ारा ट्रस्ट पे अभी से काम कर रहे हैं पाकिस्तान में. काफ़ी हम लोगों ने काम करा है सिंध में, और इंशाल्लाह अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं नॉर्दर्न पंजाब और बल्तिस्तान में. यही सेम इनिशिएटिव कि हम इंशाल्लाह लोगों की मदद कर पाए, और इंशाल्लाह हम ये करें अल्लाह के नाम में. और हमारे लिए आज एक अपील रन हो रहा है नॉट ओनली पाकिस्तान बट ऑब्वियसली हमारे भाई और बहन अफगानिस्तान में. अफगानिस्तान में काफ़ी बुरा वक्त आया हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए, वेदर हज़ारा और नाट बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं. और इंशाअल्लाह हमारी ड्यूटी है हम जब बैठे हुए हैं हमारे मुल्कों में कि हम इन लोगों की मदद करें इंशाअल्लाह. अफगानिस्तान में काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रिलीफ वैसे पहुँच नहीं सकती है, शायद इन इलाकों में ज़्यादा पहाड़ियाँ ऊँची हैं या बहुत डेंजरस इलाके हैं या रोड्स नहीं हैं. तो ज़ाहरा ट्रस्ट ने क्या करा है कि हम एक्चुअली इन इलाकों में जाके इंशाअल्लाह काम करेंगे. हमने 5 इलाके चूज़ करे हैं, वो है सर्क, शाहरा, दौरान, जिरान सोफिया, जिरान अलिया, और हमने एक्चुअली लोकल अथॉरिटीज़ के साथ अग्रीमेंट बनाया हुआ है कि हम जाके इंशाअल्लाह इन डिप्राइव कम्युनिटीज़ की मदद करें. कम्युनिटीज़ जिनके पास अभी तक मदद आया नहीं है, आप ये सोचें. तो इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह लोकल टीम्स के साथ काम कर रहे हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए है. इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं आप लोगों के साथ कोई चंद अल्फाज शेयर करने चाहता हूँ. लिखा हुआ है हमारा शेख कुलैनी किताबुल काफ़ी में, शेख कुलैनी की किताबुल काफ़ी में, कि हमारे 8वें इमाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं अस्सखीरुन करीबुन मिनल्लाह करीबुन मिनल जन्ना करीबुन मिनल नास. वो आदमी जो खुले हाथ से देता है वो ना सिर्फ अल्लाह की तरफ करीब है, ना वो जन्नत की तरफ करीब है, वो इंसानों की तरफ करीब है. आज का प्रोग्राम के लिए हमारा जो इंस्पिरेशन है वो एक्चुअली है हमारे दूसरे इमाम इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम, जिनका लकब था करीम व अहलुल बैत, द जेनरस ऑफ द अहलुल बैत. हमारे उलमा कहते हैं कि इमाम हसन अल मुज्तबा की जो मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, जो उनकी मोस्ट एमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक थी, वो थी उनकी जेनरोसिटी. कितने वो खुले हाथ से देते थे, खुले हाथ से लोगों को खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, कपड़े देते थे, मदद करते थे. इमाम हसन एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे शख्स थे जो शेख आसिफ अल मोहसिनी उनकी किताब मुअज्जम रिजाल अल हदीस में लिखते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी आया था इमाम हसन के पास. इमाम हसन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वैसे बहुत सारे लोगों की मदद करते थे, और एक आदमी आया एक दिन इमाम हसन के पास बोलने के लिए कि यब्न रसूलल्लाह मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं वैसे गुरबत में फैल गया हूँ और थोड़ा सा मुझे पैसे चाहिए. और बात है कि उस वक्त इमाम हसन शेख आसिफ अल मोहसिनी उनके मुअज्जम रिजाल अल हदीस में लिखते हैं ये कि उस वक्त इमाम हसन के पास वैसे पैसा था नहीं. अब उलमा आके इस मौजू पे थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं कि उनके पास असली में पैसा नहीं था उस वक्त, जैसे वो बिल्कुल बिल्कुल गरीब थे वो, या कि उनके पास पैसा था कहीं और रखा हुआ था और उनके पास एक्सेस नहीं था. तो इसमें खैर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन अब आप ये सोचें अगर हमारे पास कोई शख्स आए राइट, हमारे पास समझे अगर हम गरीब बिल्कुल हो गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास बस हमारे कपड़े हैं, और वो आके पूछे कि भाई मुझे आपसे थोड़ा सा पैसा चाहिए, हमारा इंटरेक्शन हमारा रिएक्शन क्या होगा? इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू गाइस, अगर मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्ट हूँ,
तो मैं तो बोलूंगा भाई देखिए मेरे तो सब कुछ दे दिया है, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, आप किसी और से जाके मांग लो। लेकिन अब ये देखिए, ये बताता है इमाम का मकाम क्या है और हमारा मकाम क्या है। इमाम अलैहिस्सलाम, अब तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1000 दिरहम की उधार उठाए, पैसा दे दिया और उस बेडुइन को, उस शख्स को भेज दिया। وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا, اور وہ دوسرے لوگوں کو پرفر کرتے ہیں جب وہ خود سے غربت میں ہوتے ہیں۔ سورہ حشر کی آیہ نمبر 9 ہے۔ تو آج دوست انشاءاللہ ہم فن ریز کر رہے ہیں زارا ٹرسٹ کے لیے۔ ہمارا اگین یہ ایک لائف شو ہے۔ ہمارے پاس انشاءاللہ ہماری بہن ذاکرہ شاہ روز ہیں، ہمارے مولانا اسد زیدی ہیں اور ہمارے ابھی علی بھائی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ پلیز کال ان کریں۔ ہمارا نمبر ہے 0281837869 اور پھر ہمارا ڈونیشن لائن ہے 0284527565۔ اینی ون جو بھی کال ان کرے گا انشاءاللہ، اگر وہ 110 pounds سے زیادہ ڈونیٹ کرے گا، اس کو ایک ڈرائنگ میں انٹر ہوئے گا جس میں وہ انشاءاللہ ایک ماربل پلیک لے سکتا ہے فرام دا شرائن آف امام حسین، اور انشاءاللہ ہم ونر اناؤنس کریں گے ٹورڈز دی اینڈ آف دا شو۔ ہمارے پاس کافی آج پیکیجز ہیں جس کے لیے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ آبویسلی ہمارا مین انیشیٹو، ہمارا مین گول ہے کہ ان شاء اللہ ہم 2500 ریچ کریں فار دا سولر ورلڈ، لیکن ہمارے پاس ادر بھی پارسلز ہیں۔ وی ہیو ون فار ون منتھ فوڈ فیملی، ہمارے پاس ادر بھی پارسلز ہیں جو ان شاء اللہ ہم اور بات کریں گے شو کے بارے میں۔ اب میں ان شاء اللہ میری بہن ذاکرہ شاہ روز کو بلاؤں گا اس پروگرام کو فارورڈ کرنے کے لیے۔ بسم اللہ۔ آپ سب کو اور ماشاء اللہ آپ نے بہت خوبصورت باتیں آج ہمارے سنائی ہیں، تو ان شاء اللہ اس سے ہم سب کو انسپریشن آ جائے گا۔ آج ہمیں کام کرنا ہے اور آپ نے ہمیں انف ماشاء اللہ کنوینس کر دیا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ آج اسی وقت ہم جو ہیں فنڈز دینے لگے۔ تو میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے فون کالز شروع ہو جائیں۔ پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ تہے دل سے دعا ہے کہ ہمارے ویورز جن کے دل انشاءاللہ پگھل گئے ہیں اور وہ آلریڈی لیلۃ القدر کی راتوں کے جو ماشاءاللہ ماحول میں آ گئے ہیں، کہ آج ہمیں کچھ کار خیر کرنا ہی ہے۔ اور ماشاءاللہ زہرا ٹرسٹ جو ہے وہ ایک نامور اور بھروسہ مند آرگنائزیشن ہے، اور ان کے ساتھ میں بہت سالوں سے کام کر رہی ہوں، اور ماشاءاللہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جو کام یہ کر رہے ہیں۔ مطلب کہ ان کے پاس آلریڈی فیملیز کے نام ہیں اور وہ جو ہیں اپنی انفراسٹرکچر انہوں نے ہر جگہ میں بنا لی ہے تاکہ ان کو بہت آسانی سے یہ پیسے جو ہم دیتے ہیں وہ پہنچا سکیں۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں بہت سارے جو ہیں آرگنائزیشنز ماشاء اللہ پیسے ریز کر رہے ہیں، لیکن زارا ٹرسٹ خاص ٹرسٹڈ نیم ہے اور ایسے آرگنائزیشن ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس ہے، وہ سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ مختلف چیزیں کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں ماہ رمضان اور شہر رمضان اور محرم اور جو ہیں ان ڈیٹس میں آپ ہمیں دیکھتے ہیں ٹی وی پہ جب ہم اپیل کرتے ہیں، لیکن اور عید میں بھی ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ زارا ٹرسٹ پورا سال کام کرتی ہے۔ سو آج جو پیسے آپ دے رہے ہیں انشاءاللہ، اور جلدی پلیز فون کریں اور یہ پیسے ہم تک پہنچا دیں تاکہ ہم یہ کام شروع کریں، کیونکہ ہم دنیا کی ایسی ایسی جگہوں میں جا رہے ہیں جہاں پیسے نہیں پہنچتے، جہاں واٹر ویلز نہیں ہیں، لینڈ لاکڈ ایسی جگہ ہیں جہاں کوئی ندی، کوئی دریا، کوئی جو ہے نا خالص پانی، جو ٹھیک پینے والا پانی ایسا ہو جو انسان پیے اور بیمار نہ ہو، ایسا پانی نہیں ہے، ایسی جگہ ہیں۔ تو آج ہمیں خاص چاہیے کہ آپ مدد کریں۔ اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے جو پیکیجز آ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو اور بھی دیں گے انفارمیشن، لیکن یہ بھی آپ سے کہنا ہے کہ بہت سارے گفٹس بھی آپ کو مل سکتے ہیں، ثواب بھی ملے گا، ایک سینس آف سیٹسفیکشن بھی ملے گا، اور لوگوں کی مدد بھی ہوگی اور آپ کو بھی انشاءاللہ ہدیہ بھی مل جائے گا۔ سو اب دیر نہ کیجیے، پلیز ڈو ناٹ ڈیلے، وی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو۔ دا فون نمبرز آر آن دا اسکرین، پلیز کال ناؤ۔ تھینک یو سو مچ ذاکرہ۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی علی ہیں، وہ ہے لائیو فرام نجف۔ تو ان شاء اللہ جو بھی ویورس کال ان کریں گے لائیو، اگین ہمارے فون نمبر اسکرین پہ ہیں، تو آپ
please feel free to call. वो आपके लिए इंशाल्लाह दुआ करेंगे और इंशाल्लाह अगर आप डोनेट करें तो इंशाल्लाह आपके लिए ज़ियारत भी करेंगे. अब इंशाल्लाह मैं हमारे मौलाना असद जैदी को बुलाऊंगा इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को आगे करने के लिए. मौलाना आपकी आई थिंक वो माइक म्यूट हुआ है. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं अल ज़हरा ट्रस्ट उनकी जानिब से हर साल माह रमज़ान में जो रमज़ान नाइट्स के दौरान ये शो कंडक्ट किया जाता है कि जिसमें फंड रेजिंग होती है और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें वाटर प्रोविजन है और बहुत सारे एजुकेशनल एंड अदर्स प्रोजेक्ट्स जिनकी डिटेल्स अभी ज़ाकिर शहरोज़ ने बयान की. शी डिस्क्राइब्ड ऑल द डिटेल्स अबाउट दोस प्रोजेक्ट्स. तो मेरे लिए भी ये बड़ी फ़ख्र की बात होती है कि हर साल रमज़ान के ये जो बरकतों वाली रातें हैं, ब्लेसिंग्स वाली रातें हैं, इसमें मुझे भी ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सआदत मिलती है. और ये भी अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है, लुत्फ है, करम है कि मैं भी आप लोगों के साथ ज्वाइन होकर और कुछ जुमले भी कह देता हूँ. और उसके साथ साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद अहले बैत अतहार आलुल बैत उनका जिक्र भी आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ. तो मेरी दिली दुआ है, बहुत सारी दुआएं हैं अल ज़हरा ट्रस्ट के लिए, इनके जितने भी इनके साथ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनके लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और इस ट्रांसमिशन को और इस शो को कंडक्ट कर रहे हैं. मेरी बहुत सारी दुआएं हैं इन सब के लिए. और जो लोग भी इस वक्त ट्रांसमिशन को वर्ल्ड ओवर इस वक्त टेलीकास्ट करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट्स दे रहे हैं, वो लोग भी बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं. मैं उनको भी एनकरेज करता हूँ, उनकी भी हौसला अफजाई करता हूँ और खुदा ताला से दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन में जो भी कॉलर्स इंशाल्लाह कॉल करेंगे वो दिल खोल कर इन प्रोजेक्ट्स के लिए दे विल इंशाल्लाह डोनेट. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच मौलाना. जैसे मौलाना ने बोला इससे और क्या बेहतर मैं बोल सकता हूँ. प्लीज एवरीवन प्लीज डोनेट. हमारी लाइन इज ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉल इन एट 0281837869. जी शहरोज बाजी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? जी मैं ये सोच रही हूँ कि माशाल्लाह ज़हरा ट्रस्ट ने जो हमारे लिए बंदोबस्त कर दिया है कि हम इफ्तार जो है कदर की रातों में लोगों तक पहुंचा सकें, और वो ऐसी जगह में है दुनिया में जहाँ एक तो बहुत ही गरीबी भी है, बहुत दुखी लोग भी हैं और बहुत दूर भी हैं हमसे, और माशाल्लाह नजफ में भी हैं. आज हम इराक के लिए भी पैसे रेज कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान के लिए रेज कर रहे हैं, यमन के लिए, पाकिस्तान. तो माशाअल्लाह दुनिया के कोने कोने तक ये पैसे जाएंगे. लेकिन इफ्तार जब हम अपने खुद के टाउन में कर रहे हैं, लोग इन इंग्लैंड और या तो कनाडा में, अमेरिका में, आई नो दैट किसी को इफ्तार खिलाना इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, और आजकल जो है ना ग्रोसरी प्राइसेस जो इनक्रेडिबली हाई हुए हैं, लेकिन फॉर £2 अ डे इट इज that we can feed a person and that's pretty amazing. So aaj agar aap 200 pound de rahe hain, 200 iftar ke meals package ho ke logo tak jo khas zaruratmand log hain unko qadr ki raaton mein pahuncha sakte hain. Aur mashallah agar aap homes dena cha rahe hain to Zahra Trust is the place to give your homes, kyunki homes ke paise theek jagah pe jate hain, sahmesadat wagaira wagaira sab proper jagah mein jate hain. 1000 iftar aap de sakte hain for £1000, that's pretty incredible. Aur mashallah ek aur bhi cheez hai ki agar aap pure mahine mein kisi ko khilana cha rahe hain to £60 I believe is the package which is on the screen. Ye screen pe sirf dekhne ke liye nahi hai aur ye सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, हमें आज एक्शन करना है. और आपके कॉल की प्लीज जरूरत है, हमें प्लीज कॉल कीजिए, क्योंकि हमें इस प्रोग्राम को एक बैंक से शुरू करना है. हम एक्चुअली आई थिंक वी बीन टॉकिंग फॉर अबाउट 23 मिनट्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और इसका मतलब है कि 23 मिनट्स
जाया हुए हैं, मतलब कि 23 मिनट्स में हम जो पैसे इस वक्त आ सकते थे कि कितने लोग, हजारों लोग को हम खिला सकते थे, आपके पैसे आएंगे और इमीडिएटली हम इनको चैनल करेंगे जिस जगह पे पहुंचना है। और माशाल्लाह अब और पैकेजेस की बातें होंगी, लेकिन एक पैकेज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है जो ज़ारा ट्रस्ट ने शुरू किया इस साल, और ये है कि लोगों को सेल्फ सफिशिएंट करना। एक तो ऑलिव ट्रीज भी बनवा रहे हैं ताकि ऑलिव्स बने और इससे पैसे भी बन सकें, शेड भी मिलता है इससे, वगैरह वगैरह बहुत सारे। लेकिन रिक्शा का प्रोजेक्ट, वेरी अमेजिंग प्रोजेक्ट जो स्पेशली इराक में हो रहा है, और इसमें आप जब हम जब जायरीन होके जाते हैं तो मैं मालूम है कि एक बार 2 माइल का रेडियस है जहां तक आप अपनी गाड़ी से भी नहीं जा सकते, और ये सूटकेसेस को लेके जाना, और ये ऐसे रिक्शा है जिसमें जो है सूटकेस और बर्डन और लोड और बीच हो सकता है, लेकिन लोग भी बैठ सकते हैं, और इससे ये ट्रांसपोर्टेशन से पैसे बनेंगे। और इनको जिनको हम रिक्शा ले दे रहे हैं, आई थिंक इट्स अबाउट $3,000, लेकिन पाउंड्स में 1800 pounds का एक रिक्शा बनता है जो सिर्फ ये 2 माइल के रेडियस नहीं लेकिन पूरे इराक में यूज हो सकता है, स्पेशली ऐसी एरियाज में जहां लोगों के पास खास कोई रोजी कमाने की कोई कोई चीज नहीं है। हम इनको, यू नो, एज वी से इन इंग्लिश, टीच समवन like, you know, give somebody a fish and you fed them for a day, but teach them how to fish and you have fed them forever. कि वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। तो आज अगर कोई किसी को मदद करना चाह रहा है तो ये खास इम्पोर्टेंट चीज है कि आप एक रिक्शा दिलवा सकते हैं किसी को, और इससे क्या होगा, हम उनको एक डिग्निटी भी दे रहे हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी है कि ये पैसे फिर से ज़ारा ट्रस्ट को मंथली बेसिस पे दें, और फिर ये जब 1800 pounds फिर से बन जाएंगे हमारे पास तो हम एक और रिक्शा लेंगे और किसी और को एक चांस देंगे कि वो अपनी फैमिली को अपलिफ्ट कर सकें। तो ये बहुत इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट है, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और आज हमें 3,000 तो बनने ही हैं, हमें करने ही हैं। प्लीज स्टार्ट नाउ, हियर फ्रॉम प्लीज कॉल। अल्हम्दुलिल्लाह, वी एक्चुअली हैव सम ऑफ आवर फर्स्ट डोनेशंस। वी हैव अ डोनेशन ऑफ a total 112 pounds. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Beautifully put, Behan Zakira Shairoz. Aapne bahut hi haseen baat kahi hai ye. Alhamdulillah, we're joined actually by Brother Ali live from Najaf. Brother Ali, can you hear us? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, brother. How are you? Alhamdulillah, I'm doing good. How about you? Alhamdulillah. Brothers and sisters, please do call in. If you call in, our brother Ali, inshallah, we'll pray for you live from the shrine in Najaf. And inshallah, hopefully he can also do some ziyarat as well. Again, our phone numbers are on the screen. As the sister put, we have a lot of beautiful initiatives going on during the month of Ramadan. Personally, you know, I was actually going to talk about the rickshaw project as well. It's something that is very near and dear to my heart as well. But again, outside of that, we're doing a lot of different campaigns, brothers and sisters. We're doing a campaign for solar water wells, again, in honor of Imam Hassan alayhi salam, Karimul Ahlul Bayt. Please feel free to call in, you know, to kind of, I guess, tell you guys about my experience with the trust. Mere shuru kar raha kaam Zara Trust ke saath, I think end of 2021, I was just in Najaf and I happened to reach out to the organization and I said, I'd love to, again, you know, see the work that you guys kind of do on the ground. And alhamdulillah, they took me to their office. I got the chance to see what they did in Karbala. The next time I went, if any of the brothers or sisters are listening, agar aap log kabhi Najaf aaye ya aap Karbala aaye, definitely please reach out to the trust so you can come and see our work firsthand, inshallah. Again, please call in and donate. We're running a lot of different campaigns. Something that really, you know, means a lot to me personally is the education campaign that we ran. So in Karbala, we actually have a school that's dedicated to, for instance, those who are jo yateem hain or some jo less fortunate hain as well. To unko inshallah, alhamdulillah, affordable education milta hai aur ye sab cheez hai. I've been requested, Brother Ali, if you could please do a ziyarat for us from Najaf. From Najaf, from the shrine of Imam Ali, where our heart, we have the blessing for our heart,
where inshallah our dua is acceptable. We pray for you, for everyone who watch us, for everyone who have any problem, everyone who have anyone from his family is sick, anyone he need a kid, child, everything you have, anyone have a trouble, inshallah we pray for you from the shrine of Imam Ali. And we inshallah trust Allah subhanahu wa ta'ala from the shrine of Imam Ali, he accept our dua bihaqq Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليك يا أمين الله في أرضي وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت بالله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع ما لك من الحجة الباطلة بالغ على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواصل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى الفرحة بلقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مقارنة لأخلاق أعدائك. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. مولاي 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 we have many things we needed, we have many things in our life, and I have many, one of our family have a trouble. We pray for Allah subhanahu wa ta'ala to give the shifa for anyone who has sick in this month of Ramadan, in this night inshallah. We are the shahada of Imam Ali, inshallah we trust our dua is acceptable. We pray for you and you, everyone who watch us, inshallah, and especially who give a donation. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, we have another donation in. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Again, Maulana sahab, aapko kuch bolna chahte hain? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हमने हरम अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत हमने शरफ़ हासिल किया इस वक्त, और बहुत दिल से दुआ है मौला की ज़रबत की तारीख भी नज़दीक है, और इस मौके पर हम अपने वक्त के इमाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करते हैं, और मैं ख़ास तौर पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि खुदा ताला अल-ज़हरा ट्रस्ट ने जो इस वक्त ट्रांसमिशन में जिस वक्त डोनेशंस के लिए जो जितनी भी इस वक्त कॉल्स और जितनी भी इसके लिए एफर्ट्स की जा रही हैं, इंशाल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के वसीले से बड़ी तादाद में लोग इस ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह कॉल्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल कर वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को भी उनकी खुशनुदी के लिए भी, मौला अमीरुल मोमिनीन की खुशनुदी के लिए भी दिल खोल के अतियात दें, डोनेशंस दें, और इस तरह से ये जो इतने डिफरेंट कंट्रीज में ये डोनेशन जाएंगे, और जैसे गुफ्तगू के स्टार्ट में बात हुई कि पानी की प्रोविजन बहुत से मुल्कों में तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत से मुल्कों के इलाकों में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव द एक्सेस ऑफ वाटर। तो इसके लिए जो काम किया जाना है, और सोचिए कि कोई शख्स अगर किसी के लिए पानी की प्रोविजन करता है तो ये एक ऐसा सत्कार जारिया है, इंसान दुनिया से चला भी जाए मगर उसके बावजूद उसका सवाब मिलता रहेगा। तो मैं कॉलर जिन तक की आवाज जा रही है, लिसनर्स व्यूअर्स, मैं सबको कहूंगा कि लेट्स गेट द कॉल्स कनेक्टेड एंड गिव मैक्सिमम डोनेशन इंशाल्लाह बाय द ब्लेसिंग ऑफ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। एब्सोल्युटली शुक्रिया आपका बहुत मौलाना, एंड शुक्रिया ब्रदर अली। यस बिस्मिल्लाह सिस्टर। Yes, subhanAllah, as we're seeing the shrine, Imam Maula Ali alayhi salam ko hamara pyar bhara salam, aur is waqt yahi soch rahi hoon ki ye din aa rahe hain shahadat ke, aur already ye flag jo hai aa gaya hai
ये काला फ्लैग और ये सब ताजा हो रहे हैं, जो जो यू नो वो दिन जब मौला हमें छोड़ रहे थे। और ये याद रखना है कि मौला बहुत पसंद करते थे गरीबों को खिलाना, अपने हाथों से खिलाते थे। वो यतीमों के वालिद कहा जाते थे, उनका नाम ये था, ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द ऑर्फन्स। और हमें ये मालूम है कि जब मौला अली को जब जहर फैला हुआ है पूरी बॉडी में और डॉक्टर ने ये जो कहा था कि दूध की जरूरत है, तो दूध लेके कटोरी में कि मौला हमें जो हमें मिला है हम आपको देने आ रहे हैं आज। बहुत खूबसूरत ये वाकया है, हमें पता चलता है कि मौला अली ने किसी को महरूम नहीं किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, हम ऐसी दुनिया की जगह में रह रहे हैं जहां हमें सब सहूलत हैं और हम खुद बहुत महंगे महंगे इफ्तारें खा रहे हैं और माशाल्लाह तरह तरह की चीजें खा रहे हैं। लेकिन ये ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको शायद गोश्त भी बहुत कम मिलता है, महीने में शायद एक बार शायद ना मिले, लेकिन आज आप इफ्तार अगर प्रोवाइड कर रहे हैं या तो रमजान महीने का सामान जो पैकेट बन रही है 60 pounds में, दैट्स प्रीटी अमेजिंग कि 2 pounds में सिर्फ एक पूरी फैमिली खा रही है और माशाल्लाह उनको खाना भेज रहे हैं हम घर तक, जो स्टेपल्स हैं जो उनको जरूरत है, ऑयल एंड राइस एक्सेट्रा। और जब मैं नजफ में थी, इनफैक्ट माह रमजान में आई थिंक 2 साल पहले, तो मैंने ज़हरा ट्रस्ट के काम को देखा और उन्होंने जिस तरह जब दस्तरखान बिछाया ना, तो मुझे इमाम हसन अलैहिस्सलाम याद आए, क्योंकि आपको मालूम है इमाम हसन का दस्तरखान हमेशा बिछा हुआ होता था और इमाम अली ने गरीबों को अक्सर उस घर की तरफ मुतवज्जो किया कि आप अगर चाह रहे हैं कि आपको अच्छा खाना मिले तो उधर जाएं, दरवाजे हमेशा खुले होते हैं और दस्तरखान हमेशा बिछा हुआ होता है। और हमको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि घर बैठे हुए हम पैसे जब दे रहे हैं ज़हरा ट्रस्ट को, तो ये दस्तरखान मुसलसल हर लोग हर इंसान के घर पे और हजारों लोगों के घर पे और हरम में और रास्तों में वो बिछाते हैं। तो दिस कैन बी एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, आज ये सुनहरी मौका को जाने मत दें। प्लीज डोनेट एंड डोनेट सिंसियरली एंड विद योर हार्ट एंड विदाउट डिले। Alhamdulillah, alhamdulillah, we have more donations coming in. Thank you so much, brothers and sisters. May Allah subhanahu wa ta'ala reward each and every one of you for them, inshallah. The rest of the recite as salawat. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad. Wa ali Muhammad. Again, brothers and sisters, agar aap log call karenge. Ji, bilkul. Bismillah. मैं ये एक चीज कहना चाह रही थी कि जो डोनेशंस हमारे आ रहे हैं ना माशाल्लाह, बहुत स्वीट टू सी दैट दे आर दीज अमाउंट्स दैट आर कमिंग। डेफिनेटली दीज आर पीपल हु आर डोनेटिंग बिकॉज़ दे आर फीलिंग कि मैं कुछ दे दूं, कुछ भी दे दूं। और हमारा जो है अमाउंट ग्रो हो रहा है, इट्स ओनली 139 pounds, लेकिन आपको पता है ये छोटे छोटे अमाउंट से बना है, विच शोज यू कि कतरा कतरा से दरिया बनता है। तो अगर आप देख रहे हैं घर पे और सोच रहे हैं मेरे पास 1000 pounds नहीं है, 500 pounds नहीं है, लेकिन हाँ 5 pounds हैं, 10 pounds हैं, तो प्लीज बिला झिझक इसको भेजें। मौला अली का ये कॉल है ना कि इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, शर्मिंदगी ये है जब आप कुछ ना दें, जितना अमाउंट हो जितना कम हो शर्माइए नहीं है, प्लीज दें, क्योंकि इससे ही अमाउंट बन रहा है इस वक्त। इट्स क्वाइट एन अमेजिंग थिंग टू विटनेस। Absolutely, absolutely. Again, जो भी लोग कॉल इन करेंगे इंशाल्लाह ब्रदर अली उनके लिए दुआ मांगेंगे नजफ के श्राइन से, मौला अली के श्राइन के सामने इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह अगेन एज अ क्विक रिमाइंडर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आप लोग 110 pounds से ज्यादा डोनेट करेंगे तो हम आपका नाम इंशाल्लाह ड्रॉइंग में डालेंगे और उसका गिफ्ट जो है जो आपको मिल सकता है वो है एक मार्बल फ्रॉम द श्राइन ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। एक हदीथ मैं शामिल करने चाहता हूँ आप लोगों के सामने रियल क्विक, ये है फ्रॉम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एट्रिब्यूटेड है कि उन्होंने बोला है कि हर चीज के पास एक चाबी होती है और रिस्क में बरकत आने के लिए चाबी होती है कि आप रिस्क में बरकत अगर आप चाहते हैं उसकी चाबी होती है कि आप सदका दें। बिस्मिल्लाह मौलाना, अगर आपको कुछ शेयर करना है और फिर इंशाल्लाह हम 2 मिनट में इंशाल्लाह ब्रेक पे जाएंगे। जी हाँ, मैं इसमें ही कहना चाहूंगा कि आज शब जुमा भी है हमारे पाकिस्तान में भी और आपके यहाँ भी शब जुमा है, तो शब जुमा इमाम ज़माने अलैहिस्सलाम से रिलेट करती है, गहरा ताल्लुक है इमाम ज़माने अलैहिस्सलाम की ज़ात से। और शब जुमा में हम अपने मरहूमीन को भी याद कर रहे होते हैं, कौन नहीं है जो अपने मरहूम वालिदैन को या वो फैमिली के उनके लोग
जो उनसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, आज दुनिया में नहीं है। कौन है वो मोमिन या मोमिना जो शब जुमा में अपने उन प्यारों को याद नहीं कर रहा होता कि जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जो व्यूअर्स और लिसनर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, वो अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए भी इस वक्त कुछ करें और इमाम ज़माना की खुशनूदी के लिए करें। हम अभी देख रहे थे हरम मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, जो यतीमों का बाप मशहूर है, कि जो जिसको किसी जब किसी को साया नहीं मिलता था, जब किसी को कोई सर पर हाथ रखने वाला नहीं मिलता था, तो उस वक्त हमारे मौला उसके सर पर शफकत वाला हाथ रखते थे। आज हम 1445 हिजरी में हम अपने मौला के लिए क्या कर सकते हैं? आज अगर मौला की रूह, हम जस्ट फॉर अ मोमेंट थिंक इट अबाउट कि व्हाट वी कैन डू फॉर द सोल ऑफ इमाम अली अलैहिस्सलाम, हम क्या कर सकते हैं आज अगर हम अपने मौला को उन दिनों में याद करके कि जब मौला की दरबत के दिन थोड़े दिन रह गए हैं, हम क्यों ना ऑर्फन्स के लिए, नीडी पीपल के लिए, कि जो जिनके लिए इस वक्त ये डोनेशंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, हम मौला अमीरुल मोमिनीन की सोल उनको डेडिकेट करते हुए, इमाम ज़माना को डेडिकेट करते हुए, हम मैक्सिमम डोनेशंस के साथ इस वक्त वी मस्ट कम इन टू एक्शन। यही दिस इज आवर वॉयस and this is our urge towards all the listeners and all the viewers, and I'm sure ke inshallah with the blessing of Imam Zaman Al Islam, lots of people will come into action with absolutely lots of donation. Bilkul aapne sahi boli hai ye baat Maulana, kitna samjhe hum logon ne gunah kare hain is zindagi mein, kitne hamare paas samjhe shortcomings hain is zindagi mein. Imam Jafar Sadiq ka qaul hai, actually wo bolte hain nabi ka qaul hai, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि जो सदका होता है वो एक ऐसी चीज होता है जो अल्लाह सुभानहु व तआला का गज़ब, जो रात होता है, वो बिल्कुल खत्म कर देता है। तो इन रातों में जब हम दुआ मांगते हैं हमारे गुनाह के अल्लाह सुभानहु व तआला माफ करे, इससे और बेहतरीन रात क्या हो सकती है ज़कात और सदका देने के लिए है। और इंशाल्लाह इसके साथ अब हम ब्रेक में जाने वाले हैं। هفا لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم هسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين كاغت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهين
انا من عصى ثم اشتكى من اثمه حتى بكى واتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك حزني اليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه يا أيها السبوح فارفق به فارفق به We are back. Thank you again so much for your donations so far. आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 आज जल्दी तरीके से donations भेजी हैं. अल्हम्दुलिल्लाह already हमारे पास £200 आ गए हैं. अल्हम्दुलिल्लाह तो इंशाल्लाह जितने भी लोगों ने डोनेट करा है इंशाल्लाह उन सब के लिए एक सल्लु अला मुहम्मद व आली मुहम्मद. अब मैं मेरी बहन इंशाल्लाह ज़ाकिरा शहरोज़ को मैं बुलाऊंगा इंशाल्लाह और वो थोड़ा सा और उनके जो इन्वॉल्वमेंट है ट्रस्ट के साथ उस मौजू पे वो बात करेंगे इंशाल्लाह और फिर हम इंशाल्लाह ब्रदर अली से एक फाइनल गुड बाय कर लेंगे इंशाल्लाह और फाइनल पार्टिंग वर्ड्स. बिस्मिल्लाह. सलाम अलैकुम. माइक्रोफोन म्यूट है. हेलो. Hello, yes, yes, Brother Ali. We'll call on you, inshallah, after the zakira. Bismillah, just do it. Yes, mashallah. मुझे ब्रदर अली से भी बात करनी थी बिकॉज माशाल्लाह ये ही इज एक्चुअली इन नजफ तो ये भी हमें बता सकते हैं कि क्या अमेजिंग काम कर रहे हैं ज़ारा ट्रस्ट. लेकिन जब मैं 2 साल पहले गई थी रमजान महीना ही था तो माशाल्लाह मैंने जो है विडोज जो है बेवाओं उनके साथ बातें की वहां और उनके आंखों में जो आंसू मैंने देखे उससे एक्चुअली मैं हिल गई थी. मैंने सोचा कि हमारे लिए इतना कम अमाउंट है ये जब हम बेचते हैं लेकिन इनकी जिंदगी बन जाती है. और आज जब ये ऑर्फन सपोर्ट का पैकेज मैं देख रही हूँ £365 आपको मालूम है जब आप एक बच्चे को इस तरह स्पॉन्सर करते हैं इसका मतलब है £1 एक दिन के लिए. तो आप ये समझें कि एक बच्चे का ख्याल रख रहे हैं हम. इसके एजुकेशन आ जाता है उसका खाना उसकी मेडिकल एक्सपेंसेस और ये माएं जो बेवाएं हो गई हैं बहुत सारी बेवाएं हैं इराक में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सख्त जो सिचुएशन से ये लोग गुजरे हैं बेचारे इतने ट्रॉमाटाइज्ड हैं ये बच्चे भी. इन्होंने अपने वालिद को देखा है जो जिनकी कब्र पे ये जाते हैं और ये रोते हैं कि काश हमारे अब्बू होते तो आज हम इस तरह अकेले ना होते हमें भी कोई ईद का जोड़ा ले देता. तो आज अपॉर्चुनिटी है कि ईद का जोड़ा भी आप ले सकते हैं इन बच्चों के लिए. और मैंने ये ईद के इंतजाम देखे जब मैं वहां गई थी और अर्ली डेज में ये ईद के पैकेजेस बन रहे थे और क्या था पता है खूबसूरत कपड़े जो है ना पार्टी ड्रेसेस होते हैं बच्चों के जो बच्चे खास आप जब इराक में जाएंगे ना इवन जुमेरात की रात को आप देखेंगे बच्चे सब तैयार होके आते हैं पार्टी ड्रेसेस में फ्रिली फ्रॉक्स में और यू नो निकलते हैं. इट्स अ वेरी फेस्टिव एटमोसफियर इन 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 नजफ एंड इन करबला. इन लोगों के पास क्या खुशी है इतना कम है और इनके लिए क्यूट क्यूट से कपड़े यू नो जो थे हैंगर्स पे बने हुए थे तैयार और पैकेजेस थे टॉयज के और खाना और कैंडी. और जब मैंने ये देखा तो आई वाज लाइक वाओ ईद की तैयारी हो गई. हम अपने बच्चों के लिए तैयारी करते हैं क्या पहनेंगे महंगा आउटफिट चाहिए इस साल नया आउटफिट चाहिए मम्मी बस मैं पुराना नहीं पहनूंगी. लेकिन देखें ये बच्चे बेचारे
कितने कितने जरूरतमंद हैं। और जब मैंने ऑर्गेनाइजर से बात की ज़ारा ट्रस्ट के, और माशाल्लाह शेख को अल्लाह लंबी उम्र दे, उन्होंने ये ट्रस्ट जब शुरू किया, कितना छोटा था और कब इतना बड़ा हो गया, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनक्रेडिबल। तो ये इन्होंने मुझे बताया कि पैसे आते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आज आए तो हम इमीडिएटली हम फॉरन शॉपिंग जाते हैं और एक और बच्चे का पैकेज बनता है। मतलब कि हमारे पैसे वक्त पे पहुंचते हैं और इस्तेमाल होते हैं और जिसको जरूरत है उसके हाथ में आ जाते हैं, उनके घर तक ये चीजें डिलीवर हो रही है। आप ये रोलिंग फुटेज देखें, एक एक को खाना जब मिलता है ना, मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे हैं, मैंने उनको देखा है जब ये शुक्र करते हैं अल्लाह का और उनके लिए दुआ करते हैं जिन्होंने ये इस वक्त हमें पहुंचाया है। इस दुआ से महरूम ना हो। आज अली भाई हैं नजफ में मौला अली के पास, वो हमारे हक में दुआ कर देंगे, लेकिन अगर आज आप कोई डोनेशन कर दें तो ये दुआ के बगैर, करने के बगैर भी दुआ बन जाएगी। मौला हमें इंशाल्लाह बरकत से नवाजेंगे और बरकत की बारिश होगी। डोंट वेस्ट दिस मोमेंट, प्लीज कॉल नाउ एंड गिव जेनरसली। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में बोला है। जब आप जाते हैं सच्ची और इन बच्चों के साथ आप इनकी मदद करते हैं, अगेन इफ एनी ऑफ द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर एवर इन नजफ, एवर इन करबला, प्लीज रीच आउट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप लोग जाएंगे और आप इन बच्चों की खिदमत करेंगे, आप लोग देखेंगे कि यार वैसे सच्ची मैं तो पूरी जिंदगी कुफरान नेमत कर रहा हूँ, मेरे छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं मेरी जिंदगी में, कोई छोटी मुश्किल पैदा हो जाती हैं और मैं बिल्कुल फैल जाता हूँ, लेकिन इन बच्चों के पास जो सच्ची कपड़े भी नहीं होते इतने ज्यादा, खाना भी कभी नहीं मिलता है, पानी भी नहीं साफ होता है मिलने के लिए, फिर भी इतनी छोटी 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 चीजों से वो इतना खुश हो जाते हैं कि आदमी जब रिफ्लेक्ट करता है वो सोचता है कि यार मैं क्या हूँ सच्ची। तो अगेन प्लीज डोनेट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी आर रेजिंग मनी फॉर अ सोलर वेल इन पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह सो फार वी हैव 300 pounds collected, alhamdulillah. And then let's inshallah go to Brother Ali live from Najaf. Brother Ali, please do tell us about the work that the trust is doing in Najaf. Tell us about the office in Najaf. Assalamu alaikum. And the office in Najaf, alaikum assalam. We try to the family, the our family. We give him a box of food and everything they need it for housing, like refrigerator or gas or anything, to them a good life and good situation. We have a construction for the houses, we have a maintenance for the house for this families, and we have a kid garden in the Najaf. It's for free for the orphan. We try to teach him study and teach him the Islamic education. Plus, we have a program for the widows. We have a program for handmade. The widows can come to the and take the material for free, and we teach him how they make the handmade, and they can buy it and have a good income for their life. Plus, we help anyone from the poor family and the orphan if he need any amount for his hospitality. And we have a food and Islamic lesson, and we do all the holy and the like Ashura or Arba'in. And all time we have a distribution. We visit this family all the time. We try to be beside him. We try to give him the stability and tell him we are beside you, inshallah, and we will do everything to help you. Plus, we have a funny program for the kid. We take him for the shrine, or we take him for any place to play and enjoy. And alhamdulillah. Thank you so much, Brother Ali, for that information. Bahut shukriya aapka. Inshallah. Again, brothers and sisters, please donate. Our line is right there at the screen. The donation line is there. The call-in line is there. If you call Brother Ali, inshallah, we'll pray for you.
live from the shrine of Najaf, of inshallah. One more point, jo mujhe mention karna tha. Again, Zahra Trust ke paas funds ijaza hai, ijazat hai. Tamam maraje jo hai, popular, Sayyid Sistani, Sayyid Al Hakim, Sheikh Fayyad, Bashir Najafi, etc. So again, agar aap sabko samjhe khums bhi dena hai, hum khums bhi accept karte hain, hamare paas ijazat hain, aap ja ke hamare website pe dekh sakte hain, baqaida wo aap pe hain. Aur aap inshaallah, main Maulana Asad ko bolunga ke thode se aap inshaallah word share kar le Maula Ali ke upar aur again Zara Trust aur Sadaqa ke upar. Just to seek the blessings of Allah, zahir hai ye bahut hi ek memorable occasion hoti hai ki jisme हम एक नोबल कॉज के लिए हम एक वेलफेयर प्रोजेक्ट के सिलसिले में जब डोनेशंस एक्टिविटी में हम सब एंगेज हैं तो जो रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कोड ऑफ कंडक्ट दिया है वो ये है कि कुरान और अहले बैत दोनों को अपने साथ कनेक्ट रखो तो इन दैट वे यू विल नॉट बी डाइवर्टेड तुम गुमराह नहीं होगे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे तो आज का दिन हमने चूँकि डेडिकेट भी किया है इमाम हसन अलैहिस्सलाम से और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जनरोसिटी मौला अली अलैहिस्सलाम की जनरोसिटी तो कुरान की एक ही आयत में जहां मौला अली और इमाम हसन और इमाम हुसैन तीनों का जिक्र आ रहा है मैं वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा और ये इस दुआ के साथ ये आयत को पेश करूँगा कि अल्लाह ताला इस आयत की ब्लेसिंग से हमारे जितने भी इस वक्त व्यूअर्स हैं लिसनर्स हैं वो इस नोबल कॉज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस के लिए इस वक्त इमीडिएट एक्शन करें तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व आमनु बिरसूले युतीकुम किफ्लैन मिन रहमते यानी अल्लाह फरमा रहा है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान और यकीन रखो वो तुम्हें रहमत के दो हिस्से अता करेगा रहमत से दो हिस्से अता करेगा और तुम्हारे लिए एक ऐसा नूर करार देगा जिसकी रोशनी में तुम चलो फिरोगे अब इस आयत की एक्सप्लेनेशन में इब्ने अब्बास ने ये लिखा कि यहाँ पे जो अल्लाह ने रहमत के दो हिस्सों की बात की है टू पार्ट्स ऑफ द ब्लेसिंग यहाँ पे जो बात हुई है ये रहमत के दो हिस्से हैं इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल के दोनों नवासे तो हमने रहमत के एक हिस्से इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनसे आज की ट्रांसमिशन को डेडिकेट किया और इसी आयत में जो नेक्स्ट बात हो रही है वो ये हो रही है कि खुदा तुम्हारे लिए एक ऐसा नूर करार देगा जिसकी रोशनी में तुम चलो फिरोगे इस आयत की एक्सप्लेनेशन में आया कि जो जिस नूर की बात हो रही है जिस लाइट की बात हो रही है वो हजरत अली अलैहिस्सलाम है यानी ईमान वालों के लिए हजरत अली अलैहिस्सलाम की जात एक रोशनी है जिसमें वो दुनिया में चलते फिरते हैं दुनिया में अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके जाने वाली जात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जात है तो हम मौला अली के जिक्र की बरकत से मौला हसन क्योंकि आज इमाम हसन का जिक्र हो रहा है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जेनरोसिटी इट्स इनक्रेडिबल आप देखें कि मदीने में मस्जिद के बाहर एक शख्स आया और ही वॉज इन डीप फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही वॉज इन डीप क्राइसिस तो वो जब आया तो उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो वहां पर कुछ लोग मौजूद थे उन्होंने उसको कुछ सपोर्ट किया उसकी कुछ इमदाद की लेकिन वो बहुत थोड़ी थी यानी समझे कि थोड़े से दिरहम उसको वहां पे कुछ लोगों ने दिए तो उसने कहा कि मेरी जरूरत मेरी रिक्वायरमेंट तो इससे बहुत ज्यादा है तो उन्होंने कहा कि मस्जिद में वो जगह जाओ कि जहाँ इमाम हसन इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर मौजूद हैं वो तुम्हारी जरूरत को पूरी करेंगे अब वो शख्स जब पहुंचा उस जगह पे जहाँ इमाम हसन भी मौजूद हैं इमाम हुसैन भी मौजूद हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर भी मौजूद हैं तो वहां जाके उसने अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया कि मेरी ये प्रॉब्लम है तो इमाम हसन ने उसकी तरफ देखा और कहा कि याद रखो कि किसी भी शख्स के लिए अगर तीन रीजंस हों तो वो किसी से हेल्प मांगे पहली रीजन ये है कि इंसान को जान का खौफ हो ठीक है दूसरी चीज ये है कि तुम पर कर्ज या तुम पर लोन इतना हो कि जो जो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो उसको रीपे करना और तीसरी कंडीशन ये है कि तुम्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो जिसने तुम्हारी जिंदगी को बहुत डिफिकल्ट बना दिया हो तो फिर तुम इन अगर ये तीन रीजंस हैं तीन रीजंस है कोई एक रीजंस है देन यू शुड आस्क हेल्प फ्रॉम समवन तो उस शख्स ने कहा कि मेरे पास इन्हीं तीन रीजंस में से एक रीजन है तो इमाम हसन ने उसको इमिडिएटली उसको 50 अशरफियां उसको अता की और उसी लम्हे फिर
हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने उसको 48 और इमाम हुसैन ने उसको 49 अशरफियां दी। और इस तरह से वो शख्स जिसको लोगों ने थोड़े थोड़े दिरहम दिए थे, इन्होंने इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर ने उनको किस तरह से बढ़कर उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। और वो शख्स यही कहता हुआ गया कि मेरा कर जो 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 मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी उससे कई गुना इस वक्त मुझे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दर से मिला है। तो हम यहाँ से क्या सीखते हैं, हमारे लिए लेसन ये है कि जिसको कहीं से कुछ नहीं मिलता होता, अगर वो दरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर आता था तो कभी खाली हाथ नहीं जाता था, क्योंकि ये वो दर है, ये वो इट्स अ डोर ऑफ अहले बैत कि जहाँ से आपको ब्लेसिंग भी मिलती हैं, जहाँ से आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मिलता है, जहाँ से आपको बरकतें भी मिलती हैं। तो मैं जितने भी व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उन्होंने इस वक्त इमाम हसन की जेनरोसिटी के हवाले से जिक्र को सुना है, मैं दुआ के साथ कि खुदा ताला जितने भी व्यूअर्स हैं, खुदा ताला उनके दिल में ऐसा ख्याल डाले कि वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जेनरोसिटी के सदके में दिल खोल के डोनेशन करें और अल ज़हरा ट्रस्ट के लिए इस वक्त सपोर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत आपने हसीन अगेन अल्फाज हमके साथ शेयर कर रहे हैं। ऑन द टॉपिक ऑफ इमाम हुसैन, बकायदा इबन अब्बास से पूछा गया था, अदहबी लिखता है उनके एक किताब में, अदहबी सुन्नी स्कॉलर, उन्हें बकायदा लिखा था कि इबन अब्बास से पूछा गया था कि आप क्या चीज़ रिग्रेट करते हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कर रहा था। इबन अब्बास बोलते हैं कि जो हमारे हसन इबन अली थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हमारे इमाम हैं, वो हज पे पैदल जाते थे कोई 20 दफ़ा और मैं एक भी दफ़ा गह नहीं पाया, अगेन अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। और वो बोलते थे कि बाकायदा जब इमाम हसन जाते थे इस हज पे, जब वो पैदल जाते थे तो वो देते थे चीज़ें लोगों को, ऐसे देते थे। और आई थिंक जो हदीस के बिल्कुल एंड था, समझे, इबन अब्बास बोलता है कि वो बकायदा एक बस ऐसा वक्त था, बिकॉज ऐसा वक्त आ गया था कि बस उनके पास कपड़े थे जो वो पहन रहे थे, उसके अलावा उन्हें हर चीज दे दी थी अल्लाह सुभान व तआला के लिए। जी बिस्मिल्लाह, ज़ाकिरा आप बोलने चाह रही थी। जी, मौलाना असद ने बहुत खूबसूरत बात भी कही है और उनको एक्सपीरियंस भी है, पाकिस्तान में भी हम ज़ारा ट्रस्ट के जो है फंड्स पहुंचाते हैं और वहाँ जो वेल्स बन रहे हैं। मौलाना असद पाकिस्तान के ऐसे ऐसे इलाके में मजलिस पढ़ने जाते हैं, सिंध के इलाके और बहुत दूर दूर के जो है गांव छोटे छोटे, तो आप हमें बताइए वहां की हालत कैसी है, लोग जरूरतमंद हैं, क्योंकि वहां फ्लड भी हुआ था पाकिस्तान में, क्या लोग रिकवर हुए हैं, कि क्या जरूरत है लोगों को अभी? जी, लोग बहुत प्रॉब्लम्स में हैं और जब मैं खुद मजालिस और मिलाद के प्रोग्राम्स के सिलसिले में जब जाना होता है सिंध में या पंजाब में, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे लोगों को पानी के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, पानी की प्रोविजन के हवाले से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, दूर दूर से जाकर उनको पानी लाना पड़ता है, और पॉवर्टी भी है और लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो लोगों को शेल्टर भी चाहिए, लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि हम देखते हैं, जो कि फिजिकली हमें नज़र आती हैं। एक तो होता है ना कि हम सिर्फ न्यूज़ में देखें, एक हम मीडिया में देखें, एक होता है कि हम फिजिकली उन चीज़ों को जाकर देखते हैं तो वाकई बाज़ औक़ात हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। अपने तौर पर यकीनन हम करने की कोशिश करते हैं, मगर मैं बड़े फख्र के साथ, बड़ी प्राउडली ये बात करता हूँ कि जिस वक्त मैं अल ज़हरा ट्रस्ट की हर साल इस ट्रांसमिशन में खुदा ताला का करम है कि खुदा इस ट्रांसमिशन में हमें शामिल करने की तौफीक अता करता है, तो मुझे बड़ा फख्र होता है अल ज़हरा ट्रस्ट पर कि आप लोग जिस तरीके से वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के लोग और डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और सिर्फ सोच ही नहीं रहे, उस चीज़ को प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट भी कर रहे हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, अपनी टीम बिल्डिंग आप लोगों ने की हुई है, डोनेशंस कलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर डोनेशंस को आप जिस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इनटू द फैसिलिटीज, फिर उन फैसिलिटीज को इन फार ऑफ एरियाज में पहुंचाना, मैं खुद देखता हूं कि इन फार ऑफ एरियाज में समटाइम हमें ट्रैवल करके जाना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आप लोगों के लिए तो उन चीज़ों को वहां पे ट्रांसपोर्ट कराना, उन चीज़ों को वहां पे पहुंचाना, ये कितना बड़ा काम है, इसमें कितना मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। तो मेरे बहुत दिल से दुआएं हैं क्योंकि मैंने फिजिकली उन कंडीशंस को देखा हुआ है, और जब मैं हैरान होता हूँ, देखता हूँ कि आप लोगों ने वहां पर किस तरीके से ये सिस्टम वहाँ पे प्रोवाइड किए, किस तरीके से आप लोग पहुंचे होंगे और आपके यंगस्टर्स कैसे वहाँ पे पहुंचे होंगे, बहुत से यंगस्टर्स तो ऐसे हैं जिनके पास खुद इतने रिसोर्सेज नहीं होते,
मगर देखें वो किस तरीके से अल्लाह ताला उनके हाथों में ऐसी बरकत देता है कि वो इतने दूर दराज के इलाकों में जाके लोगों को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। और यही तो अहले बैत अतहार, यही तो अहले बैत अतहार का हमारे पास विरसा है, यही उनके पास से दिया हुआ हमारे लिए वो दर्स है, टीचिंग है कि तुम्हारे पास अगर कुछ नहीं है तो तुम किसी की हौसला अफजाई करो, और जब तुम एक हिम्मत करोगे, एक डेडिकेशन करोगे कि हाँ आई हैव टू डू समथिंग फॉर समवन, तो खुदा ताला तुम्हारे हाथों को भी भर देगा। और हमने देखा है बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत से भी ऐसे लोग हैं कि जो सोच भी नहीं सकते थे कि वो आज कितने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश की, दे स्ट्रगल। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमको और डोनेशंस मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आवर टोटल नाउ इज 493 पाउंड्स। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लु अला मुहम्मद। अगेन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज कॉल इन, आप हमारे डोनेशन लाइन को कॉल कर सकते हैं और आप हमारे डायरेक्ट लाइन को कॉल कर सकते हैं। अगर आप कॉल इन करें डायरेक्टली टू द शो, और अगर आप इंशाल्लाह ब्रदर अली आपके लिए दुआ मांग सकते हैं। और अगेन हम गिव अवे कर रहे हैं, हमारे पास एक प्लैक है, वो है सम मार्बल फ्रॉम द श्राइन ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस सलाम। और इंशाल्लाह अगर आप $110 से ज्यादा डोनेट करें इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हम उस प्लैक ड्राइंग में आपको एंटर कर देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, मेरी बहन आप कुछ बोलने चाह रही थी। जी जी जी, जी मुझे यकीन था। जी कहिए आप, हमारा सदा आप जो कह रहे थे। मुझे यकीन था कि इमाम हसन की इमाम हसन की जेनरोसिटी, उनकी सखावत का जिक्र आया है और लोगों के दिलों में ये बात उतरेगी और वो कॉल्स करेंगे या डोनेशंस भेजेंगे। और मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है कि लॉट्स ऑफ अदर पीपल आर कमिंग इनटू दिस डोनेशन लाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर सो ब्लेस्ड माशाल्लाह। और हमारे पास एक घंटा से थोड़ा कम, आई थिंक वी हैव ओनली 55 मिनट्स लेफ्ट, और इसमें हमें एक्चुअली इसको ट्रिपल करना है, हमें 2500 पाउंड्स तो पहुंचना ही है, 500 आ गए हैं। दिस कैन हैपन, एक दो कॉल्स ऐसे आ जाएं, और अगर आपको देना है, और देना तो है ही सबको माह रमजान में, तो नेक काम में देर किस बात की। और आप अगर चाह रहे हैं कि ये काम आपका जो है ये इफ्तार जो है शबे कदर को इस्तेमाल हो, वो यू नो खूबसूरत लैलतुल कदर की रातों में, तो हम इसका इंतजाम एब्सोल्युटली कर देंगे। एक वाटर वेल अगर आ जाए 1500 पाउंड्स में, पाकिस्तान में हम वाटर वेल्स जो कर रहे हैं, और इसमें हम एक और भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं सोलर पैनल्स की, तो इससे क्या होता है कि ये जो है वाटर वेल्स, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। हम जब कुएं के बारे में सोचते हैं तो हम वो पुराने जमाने के कुएं को सोचते हैं कि एक बाल्टी डाल के अंदर से पानी निकल रहा है, नहीं, इसमें एक बाकायदा नल है और इससे पंप होके पानी आ रहा है फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये सालों तक जो है ये आप 1500 का पाउंड जो दे रहे हैं जिसका वेल, इट कीप्स गोइंग। लेकिन ये सोलर पैनल्स जो है ये आई थिंक दे गो ऑन फॉर 30-40-50 ईयर्स परहैप्स फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि ये सनशाइन को इस्तेमाल करके इसमें इलेक्ट्रिसिटी, आप देख सकते हैं रोलिंग फुटेज में कि इसमें जो बिल्डिंग की जरूरत है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो बड़ी बड़ी ट्रक्स आ रही हैं, ये आपके माशाल्लाह हार्ड अर्न मनी जो है ये ऐसे अच्छे काम में जा रहे हैं। यू नो वी स्पेंड सो मच मनी, हम वेकेशन में निकल जाते हैं, चीजें लेते हैं अपने आपके लिए जो इस्तेमाल भी नहीं होती, पड़ी रहती है, इसमें होम्स चल रहा है जो हम बस हमारे पैसे पड़े हैं जो बैंक में, बट इफ यू कैन पुट इट टू गुड यूज इन योर लाइफ टाइम, और ये ना इंतजार करें कि आपके बच्चे करेंगे जब आप चले जाएं, ये काम अपने हाथों से खुद ही करना है। और ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया है कि जिंदगी में अगर दे दिया तो फिर इसका कितना गुना ज्यादा हमें सवाब मिलता है, क्योंकि मौत के बाद किसको जरूरत है पैसों की, यह तो आसान है कि जब मैं ना हूं तो मेरे पास पैसे इस्तेमाल कर लें, लेकिन टू बी अलाइव एंड टू गिव इट एंड इट पिंचेस अ लिटिल बिट एब्सोल्युटली। लेकिन हमने इससे बहुत सारे लोगों से सुना है कि कोई गरीब नहीं हुआ जब वो चंदा देता है, लोग हमें ये कहते हैं कि हमें इनफैक्ट ट्रिपल मिला, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है, आप दे और मैं इसको रिप्लेस करूंगा, इससे ज्यादा दूंगा, क्योंकि अच्छी जगह पे जा रहा है, हम जा अल्लाह को पता है कि ये इंसान जो है इस ये खुद के लिए नहीं रखेगा, ये शेयर करेगा। दिस इज द टाइम टू गिव। ये रोलिंग फुटेज आप देखें, आपको जो पता चल रहा है इससे जो सोलर पैनल्स बन रहे हैं, दिस इज एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी टू गिव टू। और अगर हमारे पास 2500 पाउंड्स नहीं है तो इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में जाएं, सब फॉरवर्ड करते हैं जोक्स और ये सब, लेकिन आज ऐसा फॉरवर्ड कर दें कि चलें आज मुझे 100 पाउंड मेरे
25 friends to chahiye, and easily 2,500 it can happen. MashaAllah, 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 meri behan, aapne bahut acha tarike se ye bola hai. Again, viewers, please feel free to call in. Aap humse baat kare, aap bataye ki kya aapki reason hai, kya aapka inspiration hai dene ke liye. Main aapko thoda sa mere bare mein batata hoon. Jab main gaya tha dusri dafa Zara Trust ka kaam dekhne ke liye, jab main gaya tha Karbala, ye gaya, main gaya tha March of 2023. तो जब मैं गया मार्च ऑफ 2023 तो बकायदा जो ज़ारा ट्रस्ट का ऑफिस है करबला में, मैं वहां पे गए पाया, मैं वहां पे जा पाया, मेरा वहां पे देखा कि क्या काम कर रहा है ज़ारा ट्रस्ट करबला में. वहां पे एक्चुअली जो ज़ाकिरा ने मेंशन कर रहा था अर्लियर, वहां पे एक्चुअली ज़ारा ट्रस्ट वो काम कर रहा है द रिक्शा प्रोजेक्ट, जो बकायदा एक रिक्शा देते हैं लोगों को, वो ज़ारा ट्रस्ट पेज इट अप फ्रंट राइट, फिर हम जाके किसी को एक्चुअली बॉरो करने देते हैं. और फिर वो क्या आदमी करता है, वो शख्स क्या करता है, वो उस रिक्शा से जाके पैसे कमाता है. एंड इवेंचुअली ज़ाहरा ट्रस्ट बोलता है कि आप विद इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम अब आप हमको वापस वो इंशाल्लाह पैसा दे दे. और फिर इससे क्या होता है, एज द ज़ाकिरा मेंशन, दिस बिकम्स अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर दिस पर्सन. एंड नॉट ओनली दैट, वन थिंग दैट आई डिड गेट टू सी व्हाइल आई वाज इन करबला इज द स्कूल. तो बाकायदा हमारे पास एक स्कूल है करबला में. उस स्कूल में क्या होता है कि हमने एक स्कूल बनाया हुआ है. एक्चुअली हमने ओल्ड मदरसा को लिया है, वी बॉट एन ओल्ड मदरसा एंड वी मेड इट अ मदरसा फॉर द लेस फॉर्चुनेट, फॉर दोज ऑर्फन्स दैट कैन्ट एक्सेस हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इराक. तो ये लोग आता है और इनको एक एक्चुअल इंग्लिश मीडियम भी सिखाया जाता है, इनको इंग्लिश सिखाया जाता है, इनको लैपटॉप्स यूसेज दिया जाता है, ताकि ये लोग जिनके पास अदरवाइज एजुकेशन मिलता नहीं, जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं, ज़ाहरा ट्रस्ट आके प्रोवाइड कर सकता है. जी मौलाना, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ कहूंगा भी ज़ाहरा शहरोज ने एक बात कही थी कि बुरा वक्त आते देर नहीं लगती. ये बात बिल्कुल सही है कि जब किसी इंसान पर स्पेसिफिकली कोई फाइनेंशियल टाइम उसके लिए डिफिकल्ट होता है और इंसान तंगदस्ती में होता है, ये वक्त बहुत मुश्किल होता है कि उस वक्त इंसान किसी से कुछ कह भी नहीं सकता, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता. और हम तो मानने वाले भी उनके हैं, हम तो बिलीवर्स भी उनके हैं जो कि अहले बैत अतहार हैं. इमाम हसन मुस्तफा अलैहि सलाम के पास एक शख्स आया और बड़ी मुश्किल से आकर उसने ये जुमला कहा कि मुझे उस रब की कसम जिसने आपको फजीलत दी है, जिसने आपको शरफ अता किया है, मुझे एक ऐसे दुश्मन ने घेर लिया है, मैं एक ऐसे दुश्मन की फरियाद लेकर आया हूँ कि जो ना किसी बड़े का एहतराम करता है और ना किसी छोटे का ख्याल करता है, और बहुत ही ये जालिम है और मैं उसकी फरियाद लेकर आया हूँ. तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त उसको देखकर, यानी जिस वक्त की बात हो रही थी, तो टेक लगाकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे. जब इमाम हसन ने उसकी ये बात सुनी तो फौरन इमाम हसन अलैहिस्सलाम उठे और उस शख्स से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें किस दुश्मन ने घेर लिया, कौन सा ऐसा दुश्मन है जिसकी तुम फरियाद लेकर आए हो. तो वो कहने लगा कि मैं जिस दुश्मन की फरियाद लेकर आया हूँ वो है फुक्र, वो है तंगदस्ती, ठीक है, यानी फाइनेंशियल हार्डनेस, मैं उसकी फरियाद आपके पास लेकर आया हूँ. तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत परेशान हुए उसकी बात सुनकर, और इमाम हसन ने अपने खादिम से कहा कि इस वक्त जो कुछ भी मौजूद है वो ले आओ. तो उस वक्त इमाम हसन का खादिम गया और जब वह वापस आया तो 5,000 दिरहम लेकर आया. इमाम हसन ने कहा कि ये सारे के सारे इसको दे दो, और पूरे के पूरे उसने, इमाम हसन के खादिम ने उस अपने जरूरतमंद को दे दिए. और इमाम हसन ने उसके बाद ये भी कहा कि सुनो, जब भी कभी तुम्हारा ये दुश्मन, यानी ये फकीरी, ये तंगदस्ती, तुम्हें जब भी परेशान करे तो मेरे पास आना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, हमेशा तुम्हें इस दुश्मन से निजात दिलाऊंगा. तो सोचिए कितना मुश्किल होता है किसी शख्स के लिए फुक्र या तंगदस्ती में, यानी फाइनेंशियल हार्डशिप्स में टाइम गुजारना. अब जिन लोगों के लिए इस वक्त ये डोनेशंस कॉल की जा रही हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज में हैं, वो इस वक्त कितनी हार्डशिप्स में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए फूड, उनके लिए वाटर, उनके लिए जिंदगी की बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज कितनी डिफिकल्ट है उनके लिए. मैं और आप और जितने इस वक्त व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, हम उन तक नहीं पहुंच सकते, मगर हमारे पास एक मीडिया मौजूद है कि अल ज़ाहरा ट्रस्ट इस वक्त अपने पूरे मैकेनिज्म के जरिए, अपनी पूरी टीम के जरिए आप लोगों के डोनेशंस को वहां तक पहुंचाएगा. तो लेट्स कम इनटू एक्शन, आप सब लोग मैदान में आए, मैदान अमल में आए और इनका साथ दें. और मैं ये बार बार इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जिक्र करके, उनकी बरकतों से भरपूर जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक रूहानी ताकत है, ये एक रूहानी फैज है जो इस जिक्र के जरिए आपके सामने जारी कर रहा हूँ, ताकि इसकी बरकत से हमारे कॉलर्स इस
नोबेल कॉज के लिए ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें. Bilkul, bilkul, mashallah, mashallah. We are joined now by Brother Ali. Alhamdulillah, everyone. We're almost at 500 pounds, inshallah. Please help us smash 500 pounds and then get to our goal of 2,500. Abhi hamare paas samjhe hai, aadha ghanta jisme hum live hoenge. Brother Ali, can you please make some du'as, inshallah, for everyone that has donated so far? Assalamu alaikum, inshallah, inshallah. Wa alaikum assalam. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا التوفيق والطاعة بعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا قلوبنا بالمعرفة وطهر قلوبنا بالتقوى وفي حرم والشبهات وكف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى موتانا بالرأفة والرحمة اللهم تعلق بك رجاءنا ولزنا بك وحطت على شاطئ رحمتك سفن النجاة إلهي فإليك وجهت ندائي وإليك مددت يدي فأسألك بعزتك لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي إلهي إن لم أكن أهلا لأن تبلغني رحمة فرحمتك أهل لأن تبلغني وهي التي وسعت كل شيء إلهي وربي وسيدي ومولاي أقسم عليك بأحب الخلق إليك فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إلهي بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلهي في هذا بحق هذا الشهر المبارك شهر رمضان اغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا اشفي مرضانا ارزقنا الذرية الصالحة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ويسر أمورنا لما تحب وترضى بمحمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله الأطهار محمد وآل محمد. MashaAllah, MashaAllah. Thank you so much, Brother Ali, for that. Again, brothers and sisters, if you call in and if you pledge, again, more than 110 pounds, inshallah, not only will Brother Ali, inshallah, pray for you live from the Shrine of Najaf, but you will also be put in a donation, in a drawing, sorry, for this marble that you see currently on your screen. This is a marble from the Shrine of Imam Hussein alayhi salam. Yes, you are seeing this correct. Call in, brothers and sisters, ab. Inshallah, jab aap call in karenge aur aap donate karenge 110 pounds se zyada, aapka naam hum inshallah donation mein, drawing mein dalenge. Zunair bhai, ye marble ka piece jo hai, ye iske bare mein thoda sochna chahiye, kya cheez hai ye? Ek jannat ka tukra mil raha hai hame aur is pe zayreen chale bhi hain aur us pe ibadat bhi hui hai, namaze bhi hui hain aur jab construction hua ye extension jab hua hai haram ka to ye pieces nikle, inhone inko bana ke is tarah khoobsurat aur ye na ye aasan nahi hai, isko log chahte bhi hain aksar lene ke liye. Humne jab iska जब किया है ऑक्शन, अक्सर 2000 पाउंड में ये गया है, 5000 डॉलर्स में भी गए हैं ये, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पीस ऑफ लैंड है. दिस इज बाइंग अ पीस ऑफ रियल एस्टेट दैट विल इंशाल्लाह गेट अस इनटू जन्ना. और मैं खुद इससे आपको मेरा एक्सपीरियंस बता सकती हूँ कि मैंने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़े देखे जब मैंने ऐसा, मेरे पास एक है माशाल्लाह, मुझे हरम से ही गिफ्ट मिला था, उन्होंने मुझे दिया था.
और मैंने इस पे जब दुआ की है, इस पे मेरा सर रख के दुआ की है और मौला हुसैन के वसीले से दुआ की है, मैंने जो मेरी जिंदगी में मौजिजे देखे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। इंस्टेंटली मुझे एक बार तो मैंने इस पे दुआ की और कहा मौला मुझे करबला बुलाइए, इस वक्त मुझे आपके पास आना है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे आपके पास आना है, रोना है और हिम्मत के लिए मुझे बुलाइए। मैंने इस स्टोन पे जब नीचे रखा, मैं मुसल्ले पे थी, मेरा फोन उठाया और मुझे मैसेज आया था कि ज़ाकिरा शायरोस आप करबला आएंगी, हम फलानी डेट पे जा रहे हैं। और जब मैं गई हूँ तब मैंने इंस्टेंटली मुझे दावत आई, जब मैंने मौला से कहा मुझे बुलाइए, जब मैं करबला गई तो मेरी आजा थी जिसके लिए मैं रोने नहीं आई थी, वो वहां से पहले वो हाजत कबूल हो गई, मैं जो रोने आई थी वो खुशी के आंसू में रोई हूँ वहां जाके। और ये करके तो आज अगर आपको ये 110 पाउंड्स में मिल रहा है, प्लीज इसे ये चांस को ना जाया मत करें। 110 पाउंड्स का डोनेशन में आपको हम जो है रैफल में डालते हैं फिर, और एनीवन हु डज 110 देन वी चूज वन पर्सन टू गिव दैट मार्बल डिनर। जी जी, तो अगर कोई भी समझे कॉल इन करेगा और डोनेट करेगा 110 पाउंड्स से ज्यादा तो ऑटोमेटिकली उसका नाम होगा उस ड्रॉइंग में। माशाल्लाह आपने बहुत ब्यूटीफुल अंदाज में अगेन बोला है। जी, द वे आई सी इट आई थिंक ओनली 1% रियली गिव 110, तो आज किसी को मिल जाएगा ये मार्बल। आपको अगर ये चाहिए, दो तीन लोग आप इस वक्त दे दें ताकि आपको भी एक चांस मिले टू गेट दिस मार्बल। अगर एक ने दिया है, अगर देख दो, बिटवीन द टू ऑफ यू यू कैन मे बी ट्राई एंड विन दिस। डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, गिव नाउ, कॉल नाउ, एंड माशाल्लाह वी हैव रीच्ड we have reached 500 pounds and we want to reach even more and we can, don't lose this. अभी फोन करें और आपको अगर स्टूडियो में फोन करना है आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ कॉल हैंडलर से बात करनी है, आपको लाइव बात नहीं करनी, तो आप जो है दूसरा नंबर जो स्क्रीन पे है उसे भी कर सकते हैं। डोनेशन लाइन जो है, इफ यू वांट टू कॉल इन स्टूडियो में वो दूसरा नंबर है, लेकिन आप जो है हमारे वेबसाइट से भी दे सकते हैं। आप बैंक डिटेल्स अब आपके साथ हैं, सामने हैं, यू कैन डू इट एंड वी विल अनाउंस इट, आपका नाम हमारे पास आ जाएगा। डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल जैसे मेरे बहन ने बोला है, एक बहुत अच्छी हदीस है हमारे पास हमारे 10वें इमाम अल हादी की तरफ से। इमाम अल हादी एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब थी बकायदा, और ये हदीस है हमारे कामयाब ज़ियारात में। तो इमाम अल हादी क्या बोलते हैं, इमाम अल हादी बकायदा एक उनका एक असहाब था, इमाम अल हादी ने उस असहाब को बोला कि आप जाके मौला हुसैन की जो समझे डोम है उसके नीचे जाके आप मेरे लिए दुआ मांगे, अल्लाह से आप मेरे लिए दुआ मांगे कि अल्लाह इंशाल्लाह मेरी तबीयत को बेहतर कर ले। तो देखे हमारे इमामों का इतना यकीन था इस चीज में, तो आप समझे कि हम क्या कह सकते हैं। जी मौलाना, आप कुछ बोलने चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह पंजतन पाक के नाम के वसीले से, उनकी बरकत से वी हैव क्रॉस्ड 500 पाउंड्स और इंशाल्लाह मोर डोनेशंस विल कम लेटर ऑन। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें ये जो रमजान की बरकतों वाली रातें हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि पिछले साल हमारे दरमियान मौजूद थे मगर आज नहीं हैं, और क्या मालूम अगले वर्ष कौन जिए। तो लिहाजा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जिंदगी का जो भी मोमेंट हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम कोई ऐसी फाउंडेशन जरूर बना दें कि जिससे इंसानों के लिए कंफर्ट्स पैदा हो सकें, जिससे इंसानों के लिए आसानियां पैदा हो सकें। और याद रखें कि अल्लाह को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो ये है कि उसके बंदों के लिए आसानियां पैदा करना, उसके बंदों के लिए कंफर्ट्स जनरेट करना। इससे अल्लाह इंसान के जिंदगी के वो बड़े बड़े गुनाह माफ कर देता है कि जिसके लिए इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत इस्तग़फार बहुत तौबा करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वो गुनाह बख्शे जा सकते हैं। खुदा सिर्फ बंदे को अपने बंदों की खिदमत की वजह से और उनकी केयर की वजह से खुदा ताला कितने बड़े बड़े गुनाहों के बोझ से खुदा ताला निजात अता कर देता है। तो हमें हमें से हर एक, जाहिर है कोई भी फरिश्ता नहीं है, हर एक से अपनी जिंदगी में छोटे बड़े गुनाह हुए हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए कि इस वक्त हमारा एक छोटा सा स्टेप
हमारा एक छोटा सा स्टेप जिससे हम एक डोनेशन के लिए कॉल कर रहे हैं और हम डिफरेंट कंट्रीज में जो इस वक्त अल ज़हरा ट्रस्ट के जो इस वक्त ऑपरेशंस हो रहे हैं वहां के लिए इस वक्त अगर हम डोनेट करते हैं, क्या पता किसी तक ये पानी की प्रोविजन पहुंचे, फूड प्रोविजन पहुंचे और जो अदर कैटेगरीज जो इस वक्त हैं वो पहुंचे, और क्या पता उसके दिल से कौन सी दुआ निकले। और हमें नहीं मालूम होता कि बाद वक्त हम बड़ी बड़ी परेशानियों में घिरे होते हैं लेकिन अचानक हमारी परेशानी दूर हो जाती है, क्यों? अल्लाह के किसी बंदे ने हमारे लिए दुआ कर दी होती है, शायद उसको याद आ गया हो कि फला वक्त पर हमने उसकी मदद की थी। तो इस वक्त इस मोमेंट पे हम भी क्यों ना ऐसा काम कर दें कि अल्लाह ताला हमारे उस अमल के नतीजे में हमारे हमारे पेरेंट्स के गुनाहों को बख्श दे, उनके दर्जात को बुलंद कर दे। जैसे मैं इस वक्त अपनी मरहूमा वालिदा को याद कर रहा हूँ, पता नहीं कितने लोग होंगे जो इस वक्त अपने उनको याद कर रहे होंगे जो आज दुनिया में नहीं है, तो उनको याद करते हुए भी आप लोग इस वक्त डोनेशंस के लिए कॉल्स की तरफ कदम बढ़ाइए। म्यूट पे हैं ज़ुनैर जी। Shukriya, aapka bahut shukriya aapka. Again, brothers and sisters, please feel free to call in. Our donation lines are at the bottom. If you want to call in and speak directly to us on the show, you can call in at 0280208183 and so on and so forth. Meri behan, inshallah, aap kuch bolna chahti thi? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये खाना जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, देखिए ये पकाया खाना इनको गरम गरम दे रहे हैं और लोग लाइन इनकी कितनी लंबी है। मैंने ज़हरा ट्रस्ट का जब देखा काम, जब मैं नजफ में थी तो लोग 2-3 घंटे पहले आ गए थे क्योंकि इनको पता था कि ये खाना इतना भी नहीं होगा। सब इतनी जरूरतमंद है कि ये घंटों तक खड़े रहे थे या तो बैठ गए थे दस्तरखान पे कि उनको बस एक पैकेज मिल जाए। और ये सोचे कि ये फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास ठीक से छत भी नहीं होता, या तो कुकिंग के लिए केरोसिन भी चाहिए, तो ये अगर जब बना हुआ इनको मिलता है ना, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है क्योंकि ये माएं काम भी करती होती हैं और बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, इनके एजुकेशन फंड भी आप दे सकते हैं। ये भूखे बच्चे हैं जो ऑलरेडी भूखे हैं, इनके पास कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप उनको इनकी इफ्तार भी खूबसूरत कर सकते हैं, उनकी जिंदगी खूबसूरत कर सकते हैं, उनका फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। ये डोनेशन जो है ना 110 का एजुकेशन फंड भी है, तो जब हम कह रहे हैं 110 दें इस वक्त, यू कैन पुट इट टुवर्ड्स एन ऑलिव ट्री, यू कैन पुट इट टुवर्ड्स एन एजुकेशन फंड, यू कैन से कि मुझे पानी का कोई जो है ना प्लेज देना है कि कोई पानी के आप लोग करते हैं क्योंकि हम पानी के कुछ ऐसे हैं थर्मोस जैसे वहां होता है, ठंडा पानी इनको जो है मिलता है इन एरियाज में जहां वाटर वेल्स भी नहीं पहुंच सकती। सो दिस इज अ रियली ब्यूटीफुल थिंग। और हम सिर्फ इराक, आप इराक के पिक्चर्स देख रहे हैं, हम इराक, पाकिस्तान, यमन, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में ऐसे इलाके हैं, ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, इतनी ठंड है वहां, इतनी मुश्किल है वहां जाना, इम्पॉसिबल है, लेकिन ज़हरा ट्रस्ट ने ये इंतजाम किया है कि आपके पैसे वहां तक पहुंचाएं और इन लोगों की इंशाल्लाह दुआ भी हमको हासिल होगी। इलाही आमीन। Inshallah, inshallah, inshallah. Just to give everyone, the brothers and sisters, before we go on break, some numbers, मैं आपको को थोड़ा सा हमारे statistics बताने चाहता हूँ। So, in 2023, हमने 231,000 iftar meals distribute करे थे families को रमदान के लिए। हमने 90,000 कुर्बानी meat parcels करे थे। हमने 4,000 ईद के कपड़े बांटे थे और हमने 20,000 मजालिस sponsor करे थी। Brothers and sisters, you can take part in this affair, inshallah, you can take part. Please give with open arms, give with khule haath ke saath, aap log sab dein, inshallah. Again, hamari numbers hain screen ke bottom pe, hamara direct bank account bhi hai, agar aap chahte hain for discreetly dene ke liye to aap wo bhi kar sakte hain, inshallah. Aur inshallah hum 3 minute mein break jane wale hain, but usse pehle main again Maulana Asad ko call karunga aur Maulana Asad, please bismillah, aap thode aur cheeze hamare liye bol de. Ji bilkul, abhi jaise baat ho rahi thi ki far off areas mein pahunchna, आप देखें कि हम जब जाते हैं खासतौर पर रूरल एरियाज में, और बल्कि रूरल एरियाज क्या, अर्बन एरियाज में भी हम देखते हैं कि किसी होटल पर हम लोग कोई खाने के लिए रोटी लेने के लिए अगर जाते हैं तो देखते हैं कि लोग अप्रोच कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें खाना दिलवा दें, हमें नाश्ता दिलवा दें, तो दिल बहुत तकलीफ में आ जाता है इनको। इस ये सिचुएशन देखना और ये मंजर देखना, इट्स वेरी वेरी पेनफुल। तो सोचने में आता है कि कितने लोग हैं जो इस वक्त सुबह के नाश्ते को तरस रहे हैं, दोपहर के खाने को, रात के खाने को तरस रहे हैं,
और आप उनको अगर एक रोटी और एक सालन ही अगर आप उनको होटल से दिलवा के देते हैं तो आप सोचिए उनको इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है। तो अभी जैसे डॉक्टर शरोज बात कर रही थी कि ऐसी जगहों पे गर्म खाना प्रोवाइड करना, लोगों तक पहुंचाना, ये कितना मेहनत का काम है और ये कितना ब्लेसिंग से भरपूर काम है। तो इसके लिए हमारे व्यूअर्स को, मैं समझता हूँ उनको अल ज़हरा ट्रस्ट का साथ देना चाहिए कि किसी इंसान को उसके डोर स्टेप पे ताज़ा गर्म खाना पहुंचाना, उसके लिए पानी का अरेंजमेंट करना, और वो भी इतने ज़्यादा कंट्रीज में। इसके लिए हम जितना भी इस वक्त अल ज़हरा ट्रस्ट को सपोर्ट करें वो उतना ही कम। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगेन व्यूअर्स प्लीज कॉल इन एंड डोनेट। जो हमारी ड्राइंग है वो बस अभी बंद होने वाली है इंशाल्लाह, समझे अराउंड 12 मिनट्स में। अभी हम ब्रेक में जाने वाले हैं दो मिनट में, और उस ब्रेक के दौरान में भी आप इंशाल्लाह कॉल कर सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन के बॉटम में और आप दे सकते हैं। और इंशाल्लाह जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे हमारा विनर कौन है। अगेन खुले हाथ से आप दे और अल्लाह आपकी जिंदगी को ऐसा बदलेंगे आपको यकीन ही नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे लोगों की हम कहानी सुनते हैं जो उन लोगों ने दिया था जब उनके पास कुछ भी नहीं था, और फिर नेक्स्ट वीक आफ्टर नेक्स्ट मंथ ऐसा उनके रिस्क में बरकत आया था कि वो हैरान हो गए थे, बोलते इतना सारा पैसा अचानक से कहाँ से आया था, मेरा तो एक ऐसा वक्त आ गया था जब मैं गुर्बत में जाने वाला था, लेकिन उस वक्त में जब मैंने दिया था तो फिर मेरे रिस्क में ऐसा बरकत आई थी। एंड विद दैट इंशाअल्लाह वी आर गोइंग टू गो ऑन ब्रेक। सल्लु अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। Inshallah, we will see you all after the break. هفا لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجير يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهي أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك حزني إليك يبوح عن كربه
ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه يا أيها السبوح فارفق به فارفق به tonight. Aaj hum log again, as we have been mentioning the entire night, are raising money for our solar powered water well project. Again, our inspiration for the show hai hamare dusre imam, Imam Hasan al-Mushtaba alayhi salam, jinki humne shuru mein generosity ke bare mein baat kari thi aur humne bola tha ki inka ek dar hai kareem o ahlul bayt. So please aap bhi log inshallah inse inspiration le aur aap bhi khule haath se de jaise hamare dusre imam dete the. The lines to call are at the bottom of the screen. Please give with open hands. I promise that whatever you give will come back to you, not double but triple, inshallah, inshallah, inshallah. We are currently joined live from the city of Najaf with our brother Ali. Brother Ali, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Please, brother, bismillah. Again, show us the shrine, inshallah. Make some dua for not only the people who have given, but the people who are also watching. Not only does giving also help us, but also just supporting our programming, tuning in, watching. This all goes a long way, inshallah, and will be written in your book of good deeds. Bismillah, brother Ali. Inshallah, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya man iza sa'alahu 'abduhu a'ta wa iza amala ma 'indahu ballaghahu muna wa iza aqbala 'alayhi qarrabahu wa adna wa iza jahara bil 'usyani satara 'alayhi zanbahu wa ghatta wa iza tawakkala 'alayhi ahzabahu wa kafa ilahi man dhal ladhi nazala bika mustasliman qararaka fama qarayta wa man dhal ladhi أنا خبيبا بك مرتجيا نداك فما أوليت أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفا كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك وكيف أؤمل سواك والخلق كله أمرك أقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك أم تفرقني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك يا من سعد برحمته القاصدون إلهي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك إلهي وربي وسيدي ومولاي بك علقت آمالي ورجائي ودعائي
وإليك يا ربي مددت يدي فأسألك بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبحق هذا المكان المبارك استجب لنا دعاءنا فرج همومنا ارزقنا الذرية الصالحة اشفي مرضانا ارحم أمواتنا ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته بمحمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. Thank you so much, Brother Ali, again for your service tonight, for live streaming from the Shrine of Najaf. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala bless not only you, but your family as well, and bless you for all the work that you're doing for the trust in Najaf. Thank you so much again, Brother Ali, for showing us these sites on what is some of the holiest nights to be in the city of Najaf. Alhamdulillah, thank you for you and for everyone. And inshallah, we pray for you and I need your dua, inshallah. Inshallah, inshallah, we will pray for you, Brother Ali. Again, brothers and sisters, we only have a couple minutes until we are closing the drawing for the plaque, for the marble from the shrine of Imam Hussain alayhi salam. Inshallah, aap sabko call kare hum logo ko. Numbers hain at the bottom of your screen. Please give with open hands, open hands, open hands. Meri Bhan or Malana, anyone, please feel free to chime in. Bismillah. जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं कहूँगा बार बार, क्योंकि हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं आज, हमारे डेडिकेशन ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए है, जिनका दस्तरखान भी मशहूर है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं इस वक्त बहुत सी दुनिया की परेशानियों में घिरा हुआ हूँ। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस वक्त खजाने में जो कुछ मौजूद है वो हाजिर किया जाए। तो उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसको 20,000 दरहम उसको फौरी तौर पर उसकी मदद की, और वो शख्स दूर दूर तक ये किस्से सुनाता गया कि फरजंद रसूल ने मेरी दिल खोल की मदद की, मेरे तमाम मसले हल हो गए, मेरी तमाम परेशानियां दूर हो गई। तो मैं यही कहूंगा कि फरजंद रसूल, नवासे रसूल, इमाम हसन मुस्तफा अलैहि सलाम का ये करम है कि वो अपने दर पर आने वाले किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। और आज हम इमाम हसन सलाम के ही वसीले से इस वक्त अलजहरा ट्रस्ट बहुत से दुखी लोगों की, बहुत से परेशान हार लोगों की वॉयस आप तक पहुँचा रहे हैं कि वो लोग इस वक्त जितनी डीप प्रॉब्लम्स में हैं, आप इस वक्त अलजहरा ट्रस्ट का साथ देते उन लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस नोबल कॉज के लिए अपने काइंड एक्शन से पार्टिसिपेट करें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़ाकिरा बिस्मिल्लाह, हर साल माशाल्लाह हमारे व्यूअर्स दे ऑलवेज स्टेप अप टू द प्लेट एंड दे ऑलवेज वो हमें नाउमीद नहीं करते, हमेशा दे कम एंड sometimes the donations jo hum hairat angez hote ki ye kaise hua. Aaj ka program mashallah we have done well, lekin I must say ki we could do better. Aap log jo sun rahe hain, mujhe pata hai ki aapko dena hai, lekin delay mat kare, kyunki jitna jaldi ye paise hamare paas aaye itna jaldi ise hum action mein dalenge aur logon tak pahunchayenge. Aur ye mahina hai dene ka, aur ye mahina hum logon ko ekstra kala ne isliye diya hai taki hum भूख और प्यास को महसूस करें। इस वक्त शायद इंग्लैंड में लोगों ने अपना रोजा खोल लिया है, इस वक्त कनाडा में हम लोग अभी तक रोजे की हालत में हैं, स्टिल अनदर हाफ एन आवर आई थिंक बिफोर वी ब्रेक द फास्ट। लेकिन व्हेन यू आर थर्स्टी, व्हेन यू आर हंग्री एंड यू डोंट नो कि आपका लाइक खाने की तैयारी नहीं हुई फॉर एग्जाम्पल, तो फिक्र होती क्या खाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास इफ्तारी के बाद भी भूख ही है, इनके पास कुछ है नहीं कि इससे इफ्तारी हो, लेकिन आप जब फूड पैकेट्स भेज रहे हैं तो इनके घर तक ये जब आती हैं, अब देखेंगे अक्सर इनकी वीडियोस में बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं ना, कितने एक्साइटेड होते हैं जब डिलीवरी आती है इस ट्रक की। और जब ये लाइन में भी देख रहे हो, आपने देखा है वीडियो में जब इनको मिलता है ये पैकेट, तो ये बच्चे कितना खुश होते हैं, क्योंकि फैमिलीज इंतजार कर रही होती हैं कि आज शायद कुछ खाना आ जाए। इन लोगों को महरूम ना करें। हम लोग इस वक्त इतनी देर से बोल रहे हैं, हम भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि काश ज्यादा आते, काश पैसे ज्यादा आते। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी जिंदगी इस पैसों पे ही चल रही है, कि जब ये डिसअपॉइंटमेंट कि इस साल आपके बच्चे को हम स्पॉन्सर नहीं कर सकते क्योंकि हमें डोनेशन नहीं आई,
ये आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, ये 365 पाउंड्स में, एक पाउंड एक दिन में, यू कैन मेक समबडीज लाइफ बेटर. मैंने पाकिस्तान में खास ये देखा कि ऐसे बच्चे जिनको दे वर रिसिपिएंट्स, इनको ये स्पॉन्सरशिप के जो मिलते थे, जब वो बड़े हुए और एजुकेट हुए, क्योंकि एजुकेशन फंड भी है इसके साथ, तो इन्होंने गिव बैक किया. इन्होंने कहा कि अब मैं चाह रहा हूं कि कोई बच्चा भूखा ना रहे या एजुकेशन से महरूम ना रहे. ऐसे बच्चों ने कितने लोगों की जिंदगी बेहतर की है. तो ये ना सोचे कि जब आप दे रहे हैं तो ये लोग बस लेके बस खा रहे हैं. नहीं, ये सोच रहे हैं कि अल्लाह तो मुझे माला माल कर, मैं इस इंसान जिसने दिया इसके लिए भी दुआ करूंगा कि इसको माल मिले, और मैं लोगों को इसी तरह इसकी इंस्पिरेशन से माला माल करूंगा. चेंज अ लाइफ टुडे, चेंज अ माह रमजान टुडे, मेक एन ईद स्पेशल फॉर समवन टुडे, मेक एन एंटायर विलेज बी एबल टू ड्रिंक fresh, pure, and cold water. You can make that happen with your hard-earned money, which will take an exponential effect if you give today. Don't delay. Absolutely. Aur bas hamare paas do aur minute hain jab tak hum drawing ko band karenge at 6 at the 15 minute mark. Inshallah hum drawing ko band kar lenge aur fir uske baad hum winner announce karenge. और जब तक इंशाल्लाह वो होएगा, मौलाना अगर आपके पास कुछ शेयर करने के लिए सदका के बारे में या उसकी जो अहमियत है, उसकी बेनिफिट्स है, प्लीज बिस्मिल्लाह. जी देखिए, सदका का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि नंबर वन, सदका इंसान के रिस्क में इजाफा करता है, रिस्क में बरकत अता करता है. दूसरी बात है कि सदका बुरे वक्त से बचाता है, बुरी घड़ी से बचाता है, नागहानी मौत से बचाता है. हमारी कितनी मुसीबतें परेशानियां, हमारी आने वाली परेशानियां, बाज़ोकात हम लोग इमीडिएट एक्सीडेंट से बच जाते हैं. उसकी रीजन क्या होती है, थोड़ी देर पहले हमने रास्ते में कोई छोटा सा किसी को सदका दे दिया था. वो सदका जो हम किसी को अल्लाह की राह में देते हैं, या हम मासूमीन अलैहिस्सलाम के किसी अच्छे एक्शन को याद करते हुए किसी की मदद के लिए करते हैं, ये हमें बुरी मौत से बचाता है, गिर कर मरने से बचाता है. और बाद ऐसा भी होता है कि फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें देखते हैं कि कोई आदमी बच गया. वजह यह है कि वो जब घर से निकला था तो वो सदका देकर निकला था. तो इसी तरीके से अगर इस वक्त, आज इस वक्त रमजान की इस मुबारक रात में आप लोग भी अपने लिए, अपने मरहूमीन की तरफ से इस वक्त सदके के तौर पर अगर आप डोनेशन करेंगे, क्या पता अल्लाह ताला आपको और हमको किस बड़ी बड़ी परेशानी से बचाए. तो कौन शख्स ये नहीं चाहता कि वो एक हेल्दी प्रॉस्परस जिंदगी गुजारे जिसमें उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. आप यकीन कीजिए कि हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स जैसी कंपाउंड हुई होती हैं, वो सिर्फ एक सदके की वजह से वो सारी हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं. तो सदका इतना ज्यादा हमारी जिंदगी के लिए वाइटल है, जो हमारी जिंदगी को भी बढ़ाता है, हमारी जिंदगी में बरकत अता करता है, आसानियां पैदा करता है, बुरे घड़ी से, बुरी मौत से बचाता है. और माशाल्लाह ज़ारा ट्रस्ट हमारे सदके के पैसे भी देते लेते हैं. मतलब कि आज आप सदका तो दे रहे हैं, लेकिन अक्सर हमारे डब्बे घर पे जो सदके के पैसे होते हैं, इसे आज कन्वर्ट कर दें, मतलब कि इसका एस्टिमेट लेके हमें दे दें पैसे, और हम इसे इसी वक्त कुछ अच्छे काम पे लगाएंगे. और हम कफारे के भी पैसे लेते हैं, फिदिया के भी पैसे लेते हैं. तो और खुम्स फॉर एग्जाम्पल एंड ज़कात फॉर इट, एब्सोल्युटली. तो यू कैन एब्सोल्युटली यूज ऑल दीज ऑप्शंस. और ये छोटे छोटे अमाउंट्स अक्सर जो आ रहे हैं वो ये इसी होते हैं, ये इसीलिए होते हैं कफारा या फिदिया. दिस इज एन अमेजिंग टाइम टू यू नो पे ऑल योर ड्यूज. तो डू इट नाउ एंड डोंट वेस्ट अ मोमेंट. ये बहुत खूबसूरत हमें मौका मिला है. और किसी को खिलाना, वाओ, यहाँ खिलाना बहुत मुश्किल है किसी को, बिकॉज बहुत महंगा है सब कुछ. लेकिन हम 2 पाउंड में वहां पूरी फैमिली को खिला सकते हैं. इट्स प्रीटी अमेजिंग. 2-3 लोग खा सकते हैं इस पैसे से. और यू नो हमारे बच्चे सोचते हैं आज ये नहीं खाना, मुझे ये दिल नहीं चाह रहा, आज दाल नहीं चाहिए, आज हम बाहर से मंगाएंगे. और कितना पैसा चलता है, $50, $100 से हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, कितना खर्च होता है. वी कुड मेक एन एंटायर फैमिली, अ फ्यू फैमिलीज, 500 पीपल हैप्पी today by giving that amount, जो हम बहुत आसानी से हमारे घर पे actually waste कर रहे हैं. Put it to good use and give now. Absolutely, absolutely. Just to add on, हमारे पास बकायदा जिन लोगों को पता नहीं है, हमारे पास एक app भी है, Zahra Trust का app. तो अगर भी समझे, अगर आप इस television program के बाद सोचे कि मुझे देना चाहिए, वैसे मैं देना चाह रहा हूँ, मुझे देना है, तो आप जाके आप Google Play या Apple Store पे जाके आप हमारा
ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप डायरेक्टली दे सकते हैं इंशाअल्लाह. और हमारे पास बकायदा हमारी वेबसाइट भी है. तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे, मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं और सीखूँ, मैं और मुझे पता होना चाहिए कि मैं ये लोग क्या करते हैं, इनकी रेप्यूटेबिलिटी क्या है, क्या कहाँ पे ये लोग काम करते हैं, तो आप जाके हमारे इंशाल्लाह वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे बकायदा सब डिटेल लिखा हुआ है. अगेन एज द सिस्टर मेंशन, एज हमारी बहन ने मेंशन करा था, हम फिदिया एक्सेप्ट करते हैं, कफारा एक्सेप्ट करते हैं, हम जनरल सदका, ज़कात, हम खुम्स भी एक्सेप्ट करते हैं. हमारे पास इजाजत हैं बकायदा तमाम जो मशहूर मराजे हैं जिनकी ज़्यादातर लोग तकलीद करते हैं, हमारे पास हैं इंशाअल्लाह. और उससे मैं हमारे मौलाना को कॉल करूँगा इंशाअल्लाह. मौलाना बिस्मिल्लाह. जी बिल्कुल, जैसे बार बार बात हो रही है सदका की, फिदिया की, तो देखें हमारे जैसे पाकिस्तान में सब शब जुमा है, तो शब जुमा में सदका की वैसे भी बहुत फजीलत है, खासतौर पर मरूमीन के लिए, कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स शब जुमा में अपने किसी मरूम के लिए सदका देता है तो आसमान से फरिश्ता नाजिल होता है और वो सदके की रकम जो चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो उसको एक नूर के चश्मे लेता है, आसमान पे जाके ऐलान करता है कि इसके फला मरहूम ने इसके लिए तोहफा भेजा है, और फिर उसके बाद उसको ये ऑर्डर मिलता है कि वो उसकी कब्र पे जाके उसकी कब्र को कम्फर्ट से, उसकी कब्र को पुरसकून कर दे. तो देखिए शब जुमा में इस वक्त हमारे पाकिस्तान में भी जो लोग इस वक्त देख रहे हैं या उनके रिलेटिव जो दूसरी कंट्रीज में मौजूद हैं, तो वो भी इस वक्त अपने महरूमीन को याद करते हुए शब जुमा में उनके लिए माल का सदका दें, क्योंकि रसूल खुदा फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपने महरूमीन के लिए माल का सदका देता है तो महरूमीन को उसका इंतजार होता है, एंड दे लुक फॉरवर्ड स्पेसिफिकली ऑन द फ्राइडे नाइट. शब जुमा में इंतजार करते हैं महरूमीन की अरवा कि कोई है कि उनके लिए माल का सदका दे, कोई है जो उनकी तरफ फोकस करे, कोई है जो उनके लिए कुछ करे. तो हमारे लिए ये बेस्ट टाइम है कि इस वक्त वो अफराद जो एक किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हैं मगर उनके मरहूमीन किसी दूसरी जगह पे दफन है, तो वो उनको याद करते हुए उनकी तरफ से माल का सदका भी दें. और इसके लिए अल ज़हरा ट्रस्ट की तरफ से इस वक्त चूंकि डोनेशन लाइन मौजूद है, तो आप लोग इससे कनेक्ट होकर अपने मरहूमीन के लिए भी माल का सदका दे सकते हैं. जी 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 बिल्कुल इंशाल्लाह. अगेन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज 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 डोनेट With open hands, खुले हाथ के साथ आप दें इंशाल्लाह. आप अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है हमारा बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, जाके अगर आप चाहते हैं आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा. अगेन अगर आप चाहते हैं, अभी भी हमारे पास 10 मिनट है, आप कॉल इन कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं इंशाल्लाह. आप बता सकते हैं कि आप क्यों दे रहे हैं ज़हरा ट्रस्ट को. और अगेन अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली डोनेट करें तो फिर डायरेक्ट डोनेशन की लाइन भी है इंशाअल्लाह. अगेन इन रातों में, ऐसी रातों में ज़्यादा इससे what can be better than this, honestly, giving in these types of nights. These are the nights of destiny, the nights of Qadr, right? ये इन रातों में है जो हमारा समझे destiny बदल सकती है. हम दुआ करते हैं अल्लाह सुभानहू व तआला से, हम दुआ करते हैं कि वो शख्स जो कत्ल हुए थे इन रातों में, जिनकी शहादत हुई थी, हम उनकी तरह बने हम इस ज़िंदगी में, जैसे उन लोगों ने sister जो हमारी ज़ाकरा हैं बहुत beautifully mention करा था, जैसे उन्होंने यतीमों की मदद करी थी कूफा में, कैसे वो रात रात में जाते थे हैवी बैग लेके, और जब समझे उनकी शहादत हुई थी तो वो यतीम पूछते थे कि वो आदमी क्या पे हैं, वो शख्स क्या पे हैं, वो क्या पे गए, कहाँ पे गए, जो हमको खाना खिलाते थे, जो हमको दूध देते थे, वो कहाँ पे गए. तो हम इंशाल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह सुभानहू व तआला से कि हम भी हमारा इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरह जिंदगी गुजारे और हमारी शहादत भी ऐसे वक्त में और ऐसे तरह की हो. It's what can be honestly better than this, honestly. Sister, if you had anything else to add, inshallah, we're going to be announcing the winner of the giveaway soon. So sit tight, yeah. Everyone, and then inshallah, we will end with a short dua from Maulana. I'm just smiling because we just got another 50-pound donation, and I'm, you know, thinking like, alhamdulillah, Allah is so great that even just as we're ending, people are still stepping up and making that call and making that donation. Jab inshallah aaj bhi aap sochenge is program ke baad apni families ko galvanize karein, unko message karein aur kahein ki chale aaj is baar ek iftari hum Iraq mein karwate hain, chale ek Pakistan mein karwa lete hain, aur is tarah इनको कहें कि पैसे साथ जमा करके वन ऑफ यू कैन सेंड दैट डोनेशन हियर. प्लीज डू दैट बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट मंथ, एंड ऑल्सो
लैलतुल कदर की रात यहाँ कल शुरू हो जाएगी, और मौला अली जो अपने आखिर जो जुमले कह रहे थे बस यही कह रहे थे कि यतीमों की का ख्याल रखना, उनको उनको अकेला मत छोड़ना, उनको जरूरतमंद ना छोड़ना। और ये है कि हाउ कैन इट हैपन ऑन आवर वॉच, कि हम हैं और लोग यहाँ गरीब हैं, ऐसे कैसे हो सकता है जब हमारे पास है और हम दे सकते हैं। सो वी नीड टू शेयर एंड टुमारो इज अनदर अपॉर्चुनिटी। हम आएंगे कल इसी चैनल पे इसी वक्त, और इंशाअल्लाह आप तैयार होके आइएगा और अपने डोनेशंस तैयार होके। ईच ऑफ अस इज एन एम्बेसडर, हम लोग यहाँ टीवी पे बोल रहे हैं, आप अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ इसी तरह बोल सकते हैं और उनको याद दिलवा सकते हैं कि दिस इज द मंथ, हैव वी गिवन एनीथिंग, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा यू नो कफारा दैट यू हैव टू पे एटसेट्रा एटसेट्रा। गेट पीपल टुगेदर एंड कॉल इन विद दैट डोनेशन एंड अल्लाह सुभान व तआला विल पे यू अ मिलियन फोल्ड इंशाअल्लाह। Inshallah, inshallah, inshallah. Alhamdulillah, before we wrap up, hamare paas ek winner hai, alhamdulillah, hamari behan Bushra Hussain from Ilford. She is the winner of today's giveaway. Inshallah for her, her safety, her life, and her family, let's recite one loud salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Muhammad, bahut bahut mubarak ho, really a congratulations for winning. Beautiful thing. Absolutely. Inshallah, sister, you can reach out to the organization, and then inshallah, hopefully, we can get that marble shipped over to you, or you know, to you in some way, shape, or form. Before we wrap up, inshallah, I request Maulana Asad ke aap please dua mange hamare liye, aur jitne bhi honestly log live stream ko dekh rahe hain, jo tune in kara hai, jin logon ne paisa diya hai. और जिन लोगों ने समझे शेयर भी करा है लिंक, वो भी बहुत, जैसे लाइक ऑल दीस थिंग्स गो वेरी फार, राइट? एंड इंशाल्लाह मे अल्लाह सुभान व तआला यू नो राइट दिस इन द डीड्स फॉर एवरीवन इंशाल्लाह। बिल्कुल, मैं खुदा से दुआ करता हूँ इस प्रोग्राम की एंडिंग में, अल्लाह को चारदा मासूमीन का वास्ता देता हूँ, खास तौर पर हमारे वक्त के इमाम इमाम ज़माने अलैहिस्सलाम का वास्ता देता हूँ कि सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन विनर के लिए जिन्होंने भी विन किया है, उनके लिए बहुत सारी दुआ कर रहा हूँ इमाम ज़माने अलैहिस्सलाम के वसीले से, खुदा ताला उनको बहुत अता करे, उनकी बहुत ज़्यादा तौफीकात में इजाफा करे। इसके अलावा जिन लोगों ने कॉल्स की या जिन्होंने डोनेट किया, उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदा ताला उनको कोई गम न दे सिवा गम हुसैन अलैहिस्सलाम के, उनके घरों की परेशानियों को दूर फरमाए। और जितने भी व्यूअर्स लिसनर्स जो इस प्रोग्राम के साथ कनेक्ट रहे हैं, खुदा ताला उनकी तमाम जो परेशानियां उनको दूर करे, और इस ट्रांसमिशन को कंडक्ट करने के लिए अल दहरा ट्रस्ट ने और जहदाई टीवी ने जो अरेंजमेंट किया, जिसमें आप और जाकिर शरोज और मिस्टर अली फ्रॉम नजफ के सब थे, इन सब ने जिस जिस तरीके से बात की, और इसके अलावा जिन लोगों ने आगे लिंक्स को शेयर किया, आगे लोगों को मोटिवेट किया, मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ताला इनमें से अगर कोई भी बीमार है तो खुदा ताला उसको सेहत अता फरमाए, और अगर कोई किसी भी दुनिया की प्रॉब्लम का शिकार है तो खुदा ताला उसकी उस प्रॉब्लम को दूर फरमाए, और जो बिजनेस से कारोबार से लोग अटैच हैं, खुदा ताला उनकी कारोबार की परेशानियों को दूर फरमाए, जो एजुकेशन फील्ड्स में हैं, खुदा ताला उनकी एजुकेशन में अल्लाह ताला कामयाबियाँ और बरकतें उनको अता फरमाए। इसके अलावा वो लोग जो कि हाउस होल्ड हैं, वो लोग जो डिफरेंट प्रोफेशन में डिफरेंट स्किल्ड वर्क में हैं, खुदा ताला उनको उनके स्किल्स में खुदा ताला प्रोग्रेस अता करे, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई बेहतर ट्रेड नहीं है। हम जिस कमर्शियल दुनिया में रह रहे हैं, हर शख्स अपना फ़ायदा चाहता है, हर शख्स चाहता है कि मुझे मेरे पास प्रॉफिट हो, तो इससे ज़्यादा क्या प्रॉफिट हो सकता है कि हम अल्लाह से तजारत करें, हम अल्लाह से ट्रेड करें। जब हम अल्लाह से ट्रेड करते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमें इस तरह से अता करता है कि हमें किसी का मोहताज नहीं रखता। और हकीकत है, दुआ भी यही होनी चाहिए, मैं इस वक्त ये दुआ कर रहा हूँ, खुदा किसी को भी मोहताज ना करे किसी का, और सबको देने वालों में रखे खुदा ताला, जितने भी व्यूअर्स हैं खुदा ताला उनका हाथ देने वालों में रखे, यही दुआ है। और हाथ उठाकर मैं ये दुआ करता हूँ, खुदा ताला इमाम ज़माने अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजीर फरमा कि हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियों का हल हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में, इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजीर फरमा, और हम सबको हमारे इमाम की मारिफत अता फरमा, और हम सबको अपने वक्त के इमाम के आवानार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अजीर फज।
म्यूट जुनैर आप म्यूट पे हैं अच्छा म्यूट पे Zakir Shahroz, do you have any other, you know, last-minute reflections that you want to share? Anything at all? Ji, mashallah, Maulana Saab ne khub hume aaj inspire kiya hai. Allah unko bhi salamat rakhe. And inshallah, hum aapke saath har roz honge, Maulana Saab aur main. Aur inshallah, aap se hume baat karni hai. We want to hear from you ki aapko कौन सी चीज से इंस्पिरेशन हुआ है आप क्यों देना चाह रहे हैं क्योंकि ज़ारा ट्रस्ट इज एन अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन और ये भी याद रखिएगा कि ये सिर्फ खाना नहीं पहुंचा रहे बल्कि इमरजेंसी एड भी होता है जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या नेचुरल डिजास्टर होता है कोई अर्थक्वेक हुआ फॉर एग्जाम्पल टर्की में जहां भी ये लोग पहुंच जाते हैं माशा अल्लाह और जो सीजन होती है उसमें भी फॉर एग्जाम्पल शहर रमदान ईद के वक्त मुहर्रम में और इन फैमिलीज को खाना भी पहुंचाती हैं इनको हेल्थ केयर का भी इंतजाम करवा देती हैं मेडिकल एक्सेस करवा देती हैं इनको एजुकेशन और इनको जैसे आज हमने माइक्रो फाइनेंसिंग का प्रोजेक्ट भी देखा रिक्शा का और बहुत सारी चीजें इनके स्कूलिंग का हो जाता है ऑलिव ट्रीज अब आजकल बन रही हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वाटर वेल्स मौला हुसैन के नाम पे इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट टाइम के एक वाटर वेल आप लोग इसका इंतजाम करें वील बी विथ यू टुमारो तो इंशाल्लाह वी आर होपिंग एक वाटर वेल आ जाए और ये आप अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ मिलके कर सकते हैं आसानी से 25 लोग अगर आपको मिल गए जो 100-100 पाउंड आपको दे रहे हैं तो 2500 पाउंड में एक वाटर वेल जरूर हो सकता है और जल्द से जल्द हो सकता है सो वी लुक फॉरवर्ड टू योर डोनेशंस एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू टुमारो इंशाल्लाह अगेन वी आर गोना बी लाइव फॉर द नेक्स्ट 5 नाइट्स इंशाल्लाह सो प्लीज आप सब लोग ट्यून इन करें हमारे प्रोग्रामिंग के लिए और खुले हाथ से अगेन दे Thank you again, first and foremost, Maulana Asad, aapne time nikala hamare liye aur again, hamari behen Zakira Shahroz, aap to khair, bahut saalon se hamare saath kaam kar rahi hain, to inshallah Allah subhanahu wa ta'ala, aap dono ko bless kare immensely. To wrap up the program, inshallah, we're just going to recite Dua-e-Imam Zaman, so inshallah if we can all recite together. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله we will see you guys all tomorrow والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Don't miss out on the immense blessings of the Nights of Power. More precious than 1,000 months, the Nights of Qadr are considered as the holiest nights of the year, in which your fate is written by the Almighty. The believers seek to build their relationship with Allah through devout worship, sincere reflection, and generous charity. Far too many of our brothers and sisters have not been fortunate enough to experience this Ramadan with the same comforts that we share. Food scarcity is on the rise in our areas of operation, and some families cannot afford even a simple iftar. This year, you have the power to make a difference. Increase your good deeds this Ramadan on the nights where they count the most, with a contribution to one of our new Qadr packages. Your contribution, no matter how small, can change lives. May your generosity be a source of blessings for you and those you help. To learn more about our Ramadan packages, visit our website today. Embrace the holy month of Ramadan for a more sustainable future. You can empower individuals to build better lives for themselves and their families. With your support, we can feed the hungry, provide shelter for the displaced, bring clean water through solar-powered wells, plant food gardens, and so much more. Your contributions can also create self-reliant communities through microfinancing. Together, we can make a lasting impact. Visit our website today to find out more. It has almost been half a year since the people of Gaza and surrounding regions have been suffering from increased violence. Imam Ali teaches us that a person is either our brother in faith or our equal in humanity.
In honor of this spiritual guidance, it is our duty to help our brothers and sisters in need. The Zahra Trust has partners who are working diligently to provide aid to those who need it most. Your donations have allowed us to deliver food parcels and bedding to those on the ground and displaced. With your continued support, we hope to provide even more. Visit our website to learn more about our emergency campaign and what you can do to help. Transform lives in just a few clicks. Donate to the Zahra Trust via our app and be part of the positive change. It's quick, easy, and secure. The Zahra Trust, changing millions of lives every year.